जी, क्या सूरत हाल है? प्रपोजल मैम किस चीज की? जी मैम, का आपका क्या स्टेटस है? आपका प्रपोजल कंप्लीट हो गया? अपलोड कर दिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना प्रपोजल अपलोड कर दिया, जिस हालत में भी है, जैसा भी है, अपलोड जरूर किया। मैम, मेरा प्रपोजल भी रात तक मैं अपलोड कर दूंगी। मेरे में थोड़ी सी चीजें रह गई थी। ओके, क्या रह गया था? मैम, उसके आखिरी वाली जो वो वैलिडिटी वाली हेडिंग थी, डिस्कशन वाली थी, वो बस रह गई थी। वैलिडिटी आपको समझ नहीं आया कि क्या है? मैम, मुझे उस वैलिडिटी समझ आ गई थी, मुझे थोड़ा सा ये नहीं उसका पता चल रहा था कि हाँ, यही मुझे यही समझ एक तो एसएसपी से मैंने सोचा था कि लिखूंगी कि उसके उसके टेस्ट से मैं प्रूफ करूंगी कि मेरा वैलिड है, और मुझे समझ नहीं आती उसमें क्या लिखूं कि किस तरह मेरा प्रूफ होगा कि वो वैलिड है। और मैम, दूसरा मुझे ये समझ नहीं आया था कि डिस्कशन और एनालिसिस में, अभी ये तो प्रपोजल है, इसके अंदर प्रपोजल के अंदर डिस्कशन और एनालिसिस में मैं क्या लिखूंगी, उसकी जो आपकी हेडिंग है। जो आपको सैंपल मिला था उस पर डिस्कशन एंड एनालिसिस के बारे में कुछ लिखा हुआ था? ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आ रही मैम। जी मैम आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा जो कलेक्ट किया है, जिन जिन सोर्सेज से आप साथ में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप के क्वांटिटेटिव डेटा इज कलेक्टेड थ्रू सर्वे क्वेश्चनेयर, ठीक है, या क्वालिटेटिव डेटा जो है दैट इज कलेक्टेड बाय यू नो आपने जो फिल्म का एग्जामिनेशन किया उसके जरिए, आपने फिल्म को फुली एग्जामिन किया और आप, या फिर आपने सर्वे किया, डेटा आपका हो गया, आपने एसपीएसएस अपलोड किया। एसपीएसएस की मैंने आपको दिखाया था कि दो स्क्रीन्स होती हैं, एक स्क्रीन में आप वेरिएबल अपलोड करते हैं, दूसरी स्क्रीन में आप लोग यू अपलोड योर यू नो जो रिस्पॉन्सेज होती हैं डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट्स की। तो दिस सेक्शन ओनली डिमांड्स कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसको आपने एनालाइज एंड डिस्कशन कैसे की। सो एक तो ये है कि जो लोग फिल्म कंटेंट एनालिसिस कर रहे थे, दे नो कि दे आर एनालाइजिंग कंटेंट एंड डिस्कसिंग द कंटेंट। तो आपने सिंपली यही लिखना है कि आपने कंटेंट एनालिसिस मेथड यूज किया या डिस्कोर्स एनालिसिस मेथड यूज किया, और आपने वेरिएबल्स को किस तरह स्टडी किया। सो यू आर जस्ट सेइंग कि हाउ यू एनालाइज योर कंटेंट। और जिन्होंने एसपीएसएस इस्तेमाल किया, दे आर टॉकिंग अबाउट यू नो लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो के अप्लाई करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को। हमने वेरिएबल्स उसमें सिंपली आपने यही करना था कि आई गेव यू अ टेबल दैट फोकस्ड ऑन वेरिएबल्स। आप उस टेबल को अगर आप खोलते तो उस टेबल पे लिखा हुआ था, उस टेबल की बॉटम पे, कि विच टेस्ट इज कंडक्टेड बिटवीन विच वेरिएबल्स, ठीक है। और आपने फॉर इंस्टेंस यहाँ पे तो मेंशन है कि दी एस पी एस एस का स्क्वेयर टेस्ट और फैक्टर एनालिसिस टेस्ट इज यूज्ड टू एनालाइज द डेटा। तो अगर आप वेरिएबल से, मैंने लास्ट क्लास में ये चीज मेंशन की थी कि इफ यू गो डाउन द पेज, वेरिएबल्स वाला टेबल खोलें, यू कैन सी कि कौन सा टेस्ट किन वेरिएबल्स को अप्लाई हो रहा है। सो यू कैन प्रोबेबली सिलेक्ट अ टेस्ट एंड से कि जी दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, और डेटा आपने एसपीएसएस पे अपलोड किया। और सो यू आर, खासतौर पे अगर आपने फॉर इंस्टेंस फैक्टर एनालिसिस टेस्ट अप्लाई करते हैं और आपके सर्वे क्वेश्चनर में यू हैड, आई थिंक यू हैड अबाउट 16 क्वेश्चंस, राइट? ऐसा ही है जी मैम, ठीक, 17 क्वेश्चंस, 16 17 क्वेश्चंस आपके सर्वे में थे। तो अगर आप उन वेरिएबल्स को अपलोड कर देती हैं, फॉर इंस्टेंस आप उन सारे क्वेश्चंस को, आइटम्स को सिलेक्ट करती हैं एंड यू अप्लाई फैक्टर एनालिसिस टेस्ट, तो फैक्टर एनालिसिस जो है वो डिफरेंट आइटम्स को मुख्तलिफ उसके अंदर उनकी ग्रुपिंग कर देता है। फॉर इंस्टेंस इट मे टेल यू के जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो था वो एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, फैक्टर वन में फॉल कर रहे हैं, और क्वेश्चन 10, 11, 12 जो था वो फैक्टर टू में फॉल कर रहे हैं। सो विच मीन्स के जो टेस्ट के रिजल्ट आपके सामने आता है, आपके सामने कॉलम्स बन जाते हैं, यू सिलेक्ट दोस कॉलम्स एंड से कि ये वेरिएबल्स या आइटम्स या क्वेश्चन जो थे वो इस जगह पे फॉल कर रहे थे,
और यू केयरफुली लुक एट देम एंड देन यू से कि जी हाउ व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स बेसिकली. तो आप उसको सिंपली यही कह रहे हैं कि हमने क्या क्या मेथड यूज किया फॉर एनालाइजिंग डेटा. हियर इट इज सजेस्टिंग यू कैन यूज फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव डेटा के केस में SPSS स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस जो है वो आप सर्वे का डेटा उसमें अपलोड करेंगे एंड देन यू आर सेइंग कि आपने रेलिवेंट टेस्ट उस पर अप्लाई किया और उस टेस्ट के रिजल्ट के थ्रू आपने डेटा एनालाइज किया. द एनालिसिस इज प्रेजेंटेड इन चैप्टर 4. प्रोपोजल में चूंकि यू आर नॉट राइटिंग चैप्टर्स बट यू आर सजेस्टिंग चैप्टर नंबर्स. आपको याद होगा कि बिफोर टाइम लाइन देर वॉज अ सिनॉप्सिस ऑफ स्टडी. तो सिनॉप्सिस ऑफ स्टडी आपकी कॉन्टेंट लिस्ट से डिफरेंट थी. कॉन्टेंट लिस्ट वॉज अबाउट द कॉन्टेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल जिसको हमने पेज 2 या 3 पे डाला हुआ था. इस वक्त इसी प्रपोजल में इसी के साथ अगर आप देखेंगी तो यहाँ पे पेज 1 आपका अगर आप नंबरिंग नहीं कर रहे फ्रॉम पेज 1 फॉर एग्जांपल टाइटल डज नॉट नीड नंबर. यहाँ पे आपको ने नंबर दिया हुआ है. यू कैन रिमूव दिस नंबर. यू कैन स्टार्ट पेज नंबरिंग फ्रॉम पेज 2 राइट. सो आपने सिर्फ ये कहना है कि ये देखें ये आपकी यहाँ पे कॉन्टेंट लिस्ट है राइट नाउ और यहाँ पे आपकी एक थी सिनॉप्सिस ऑफ स्टडी. सो कंटेंट कंटेंट लिस्ट सिर्फ ये बता रही है कि कंटेंट्स ऑफ प्रपोजल क्या हैं. सिनॉप्सिस ऑफ स्टडी इज एक्चुअली गिविंग यू के जो मैं थीसिस मैंने कंडक्ट करनी है उस थीसिस के देयर वुड बी फॉर इंस्टेंस 5 or 6 चैप्टर्स. यहाँ पे आपको 6 चैप्टर्स प्रपोज्ड नज़र आ रहे हैं. चैप्टर 1 जो है इट सेज के इंट्रोडक्शन है. Chapter 2 is literature review. Chapter 3 contains theoretical framework. Chapter 4 जो है वो research methodology. Chapter 5 data analysis finding conclusion. अगर किसी ने content analysis किया होता तो वो जिस तरह आप लोगों ने media theory की class में essays लिखे थे तो वो इधर चला जाएगा chapter 5 में. So you are saying अगर even आपने survey conduct किया होता तो सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो आप इधर चैप्टर 5 में पोस्ट करेंगे राइट. सो यहाँ पे ये सिर्फ ये कह रहा था कि जी एनालिसिस इज प्रेजेंटेड इन चैप्टर 4 और 5 जो भी आपको लग रेलेवेंट चैप्टर बन रहा है. सो कंटेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द प्लेज एनालाइज्ड इन द लाइट ऑफ व्हाटएवर थ्योरी इन चैप्टर 5. तो यहाँ पे ये वाला डेटा एनालिसिस एक्चुअली शोइंग के 2 मेथड्स थे. फॉर एग्जाम्पल क्वान्टिटेटिव एनालिसिस का डेटा इज प्रेजेंटेड इन चैप्टर 4 या 5 और कॉन्टेंट एनालिसिस डेटा इज प्रेजेंटेड इन चैप्टर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है. और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वट एवर द एनालिसिस वॉट इट वुड डिटरमिन जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कॉन्टेंट एनालिसिस ऑफ फिल्म से जो आपके हैं वो आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे आप उसका सिर्फ एक ब्रीफ हिंट दे रहे हैं कि आपने डेटा को कलेक्ट कैसे किया और आपने एनालाइज किया. ये आपका क्लोजिंग पैराग्राफ है ऑफ रिसर्च प्रपोजल राइट. सो मैं ये देख रही थी कि आपकी क्लास में काफ़ी सारे लोग जो हैं दे वर एक्चुअली जब मैंने आपसे इफ़ यू रिमेंबर कि जब मैं आपसे आपका प्रपोजल डिस्कस कर रही थी लास्ट क्लास में तो मैंने आपसे कहा था कि आपने इंट्रोडक्शन में फिल्म की एनालिसिस बहुत ज़्यादा दी हुई है. रिमेंबर मैंने आपको और फारूक का कंपेयर किया था. मैंने कहा कि फारूक ने बहुत कम दी हुई है आपने बहुत ज़्यादा दी हुई है. जबकि ये रिसर्च प्रपोजल है. दिस इज नॉट रिसर्च एनालिसिस इटसेल्फ नहीं है. ये आपका रिसर्च पेपर नहीं है. इट्स अ प्रपोजल फॉर रिसर्च और इस प्रपोजल के थ्रू यू गाइज आस्क फॉर परमिशन कि जी हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आई विल कंडक्ट सर्वे और यू आर प्रपोजिंग कि आई विल एनालाइज द फिल्म और यू आर प्रपोजिंग कि आई विल एनालाइज अ सैम्पल ऑफ फिल्म्स. फॉर इंस्टेंस मैंने आप लोगों को एक स्टडी दिखाई थी बाय सदफ अहमद जिसमें शी हैड एनालाइज 35 फिल्म्स और 35 फिल्म्स में शी वॉज लुकिंग एट रेप सीन इन दोज 35 फिल्म्स. तो उसने ये कहा था कि पाकिस्तानी फिल्म में रेप किस तरह प्रेजेंट होता है और रेप के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं या डिसऑनर ऑफ वुमेन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं राइट. आपको ये चीज़ याद है मैंने ये चीज़ आपसे लास्ट टाइम जी आपने डिस्कस की थी ब्रीफली मैंने आपको मेंशन की थी. ठीक है तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि आपने ये जो प्रेजेंट किया
इसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी प्रपोजल में जो है इसके ओपनिंग पार्ट में यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट फिल्म. मैंने आपको कहा था यहाँ पे आपको फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल एंड डायलॉग्स, एक आध डायलॉग काफ़ी था प्रॉबेबली ना, एंड वट एवर यू हैव रिटन हियर इज एक्चुअली नॉट सूटेबल फॉर प्रपोजल. आप इसको वहाँ यूज़ कर सकती हैं जो मैंने एक और असाइनमेंट पोस्ट की है एसे राइटिंग की, यू नो कि आप जी कौन सा मेथड यूज़ किया, तो आप इसमें से काफ़ी सारा जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है यू कैन टेक इट देयर. ये मिड टर्म इंस्ट्रक्शंस थी, आपने जब आपने अपना प्रपोजल लिखा तो उस वक्त ये बड़ा ज़रूरी था कि यू रीड दिस इंस्ट्रक्शन सेट, आप इसको पढ़ते. अहमद नबी जी मैम आपसे मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने इंट्रोडक्शन की डिटेल पढ़ी थी, ये देखें आप यहाँ पे ना 3 लाइनों में लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन शुड कंटेन व्हाट, जी ठीक. मैम और यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के बारे में भी लिखा हुआ था कि दिस इज द ओनली सेक्शन विच मे बी लोडेड विद लिटरेचर कोट्स एंड पैराफ्रेजेस, क्योंकि ये ठीक है चूंकि मैम है ही लिटरेचर रिव्यू तो इसमें आपने मैक्सिमम चैप्टर्स को, मैक्सिमम रीडिंग्स को आपने कोट करना था कि आई हैव रेड रीडिंग्स को एंड सो बाय ऑथर सो एंड सो. और जो आपके अगर आपका जो भी फोकस था उसी पर्टिकुलर फोकस के बारे में ऑथर सो एंड सो सेज दिस और दैट, ठीक है. तो ठीक है इसलिए मैम आप लोगों में जी. मैम मेरा एक सवाल है जी. इंट्रो इंट्रो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड. आपने कहा, आपने अभी बताया कि फिल्म एनालिसिस आपने उसके अंदर ज्यादा नहीं करना, बहुत ही कम, अगर हो सके जितना कम हो सके उतना बेहतर है. मैंने किया हुआ है, अगर मतलब उसको तो मैं कट डाउन कर दूंगा. मेरा सवाल था रैशनल एक हेडिंग थी जो कि इसमें आपने जो रिसर्च प्रपोजल दिया था उसके अंदर थी. एक हेडिंग थी रैशनल और एक और हेडिंग थी, वो मैं आपको बताता हूँ. उसका नाम था वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. जो कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं कुछ, उन 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 उनके बारे में प्लीज बता देंगे. वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी वो किस तरह उसको उसको लिखेंगे रिगार्डिंग आर कंटेंट. वुड बी राइट अबाउट द कंटेंट्स वैलिडिटी, हमारे रिसर्च पेपर्स की वैलिडिटी या हमारे रिसर्च की वैलिडिटी, थोड़ा सा ये बता दो. ये आपका यू वर राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल राइट, जी मैम सो आपने जो कंप्लीट प्रपोजल द प्रपोजल दैट यू हैव रिटन इट जी एक्चुअली मैम इज आस्किंग यू कि आपके प्रपोजल में वैलिडिटी आप किस तरीके से डिटरमिन करेंगे ठीक है मैम राइट, कि आपने रिसर्च कंडक्ट कर ली, मे बी यू यूज सर्वे मेथड और यू यूज फिल्म एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस मेथड. तो क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना है कि इस पर्टिकुलर मेथड में जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हाउ यू वुड डिटरमिन वैलिडिटी. तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की अगर आप इसको हेडिंग को अगर खोल लेते तो आपको इसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती यहाँ पे. तो इट इज़ जस्ट टेलिंग यू कि इन केस ऑफ सर्वे आप वैलिडिटी किस तरीके से डिटरमिन करेंगे. अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इट टॉक्स अबाउट अ फ्यू थिंग्स राइट. वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का जो सेक्शन है इट इज़ एसेंशियल फॉर योर प्रपोजल्स राइट. सो जी बेसिकली मैम व्हाट आई विल डू कि मैं आपसे ये वाला पार्ट अभी जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ एंड जी आई मैम सजेस्ट कि आप इसको इसको देखते हुए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मेथड इज सूटेबल फॉर योर रिसर्च टू डिटरमिन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. और इसमें दोनों चीज़ें मेंशनड हैं कि आप जो हैं वो क्वांटिटेटिव के केस में किस तरह वैलिडिटी डिटरमिन कर रहे हैं या क्वालिटेटिव के केस में किस तरह वैलिडिटी डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है. तो जी यहाँ मैम से मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. और उसमें आपने इसमें से देखते हुए यू हैव टू डिसाइड विच मेथड इज सुटेबल फॉर योर प्रपोजल, ठीक है. जी ठीक है मैम तो उसमें ये आपकी लास्ट वीक की वैसे रीडिंग भी थी ठीक. और इसको अगर आप देख लेते, और मैंने आपसे कहा था कि एथिक्स ऑफ रिसर्च जो है वो एक थोड़ा सा बड़ा ज़रूरी है बिकॉज लास्ट टाइम यू आर आस्किंग क्वेश्चंस के सर्वे अभी तक नहीं हो सका. कैन आई आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स एक्सेट्रा, तो मैंने आपसे कहा था कि योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो हैं वो तो हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी डिस्कसिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स विद देम,
तो ये सूटेबल नहीं होगा, आपको पब्लिक रिस्पांस जो है वो कॉमन मैन का ही अगर आपने बनाया है प्रपोजल, तो यू वांट रिस्पांसेस फ्रॉम कॉमन पीपल, ठीक है। प्रपोजल के सिलसिले में अभी कोई और डिफिकल्टी किसी को आई हो अगर, तो हम उसको वी ट्राई एड्रेसिंग बिफोर प्रोसीडिंग। सैफुल्ला? यस मैम। सुफियान? डॉक्टर साहब? यस मैम, डॉक्टर साहब मैं प्रेजेंट। एंड तलहा भट्ट? मैं आपसे ये कही थी कि मैनी स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा आपकी क्लास में, मैनी पीपल वर ट्राइंग टू राइट रिसर्च पेपर, जबकि यहाँ पे चूंकि ये है ही रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास, और मैंने आप लोगों को मिड टर्म के लिए रिसर्च मेथड की असाइनमेंट दी थी, प्रोजेक्ट दिया था, और यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है प्रोपोज अ स्टडी। आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ से हाईलाइट किया, प्रोपोज अ स्टडी। उसके बाद अगर आप आगे भी देख रहे होते तो काफ़ी जगहों पे लिखा हुआ है प्रोपोज्ड रिसर्च। ओके, सो थोड़ा सा मैं ये देख रही थी कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रिसर्च प्रपोज करने के बजाय रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि रिसर्च प्रपोजल इज़ समथिंग जो कि आप प्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी को, एंड रिसर्च कमेटी डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेंट कि वो आपको ये रिसर्च कंडक्ट करने की इजाज़त दे या ना दे, राइट। फॉर इंस्टेंस ये जो आपका एक प्रपोजल सैम्पल था, इसमें काफ़ी सारी आप देख रहे हैं हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स को वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आपका लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, दिल सी दिल लुक एट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, और देन दे विल डिसाइड के आपके ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस और प्रपोज मैथड देखने के बाद दे विल डिसाइड इफ़ यू शुड बी गिवन परमिशन टू कंडक्ट रिसर्च, ठीक है। अहमद नबी, आपका क्वेश्चन था रैशनेल के बारे में और वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अच्छा, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। मैंने जो आप लोगों का वहाँ पे ग्रेडिंग क्राइटेरिया अपलोड किया था, आपने देखा था, मैंने आपके पास रैशनेल की हेडिंग एक्चुअली नहीं दी थी, लेकिन रैशनेल इज समथिंग, रैशनेल इज समथिंग दैट यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट कि मेरी रिसर्च का रैशनेल क्या है, व्हाई इज इट एसेंशियल, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने आपको रैशनेल की हेडिंग नहीं दी हुई थी, मैंने आप लोगों को उससे कहा था कि आप लोग मुझे सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस बताएंगे, राइट। सो बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि ये इट इज़ जस्ट अ सैम्पल, मैंने आपसे कहा था कि यू लुक एट रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको मैंने ग्रेडिंग क्राइटेरिया में मेंशन की हुई है, एंड आई हैड सजेस्टेड कि आप सिंपली सिर्फ फिलहाल वही हेडिंग्स यूज करते हुए अपना फाइनल प्रपोजल अपलोड कर दें, ठीक है मैम। अगर आप लेते हैं तो दैट्स परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपने कर दिया है तो इट्स ओके, इट्स एक्चुअली गुड अगर आपने कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आपसे सिर्फ जो है यहाँ से, आपका क्वेश्चन था वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के बारे में, तो व्हाट आई विल डू कि हम इसको विल लुक गो थ्रू इट क्विकली, ठीक है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है वो ग्रेडिंग क्राइटेरिया में आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि वो आपके दोनों दोनों ये जो सैंपल्स अपलोड किए थे इसमें इट इज़ मैंडेटोरी, इट इज़ पार्ट ऑफ मैथड। ये जो आपका मैथड चल रहा था, मैंने आपसे कहा था कि जितने ये अपर लोअर में लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हैं जी मैम, तो ये सारे अपर लोअर में लिखे हुए हैं, और मैंने आपसे कहा था कि जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो आपकी मेन हेडिंग है, ये आप देख रहे हैं रिसर्च डिजाइन इज योर मेन हेडिंग। सो आई सेड इस मेन हेडिंग के अंदर जितने आपको सेक्शंस नजर आ रहे हैं ये आपको यहाँ पे डालने जरूरी हैं, राइट। मैंने आपसे कहा था कि रिसर्च डिजाइन में ये सारे डालेंगे जब तक आपका डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस तक, आपको यू नीड एवरीथिंग इन योर मेथोडोलॉजी पार्ट, बिल्कुल ठीक है। सो ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्चुअली डिलीट और रिमूव फ्रॉम योर प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल में ये सारी हेडिंग्स आपको चाहिए। मैंने आपसे लास्ट टाइम ये भी कहा था कि यहाँ पे आपके इनमें क्वेश्चंस का मिसिंग है, इफ़ यू रिमेंबर मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव्स के नीचे आप एक और इसी तरह की हेडिंग डालेंगे, यू राइट योर रिसर्च क्वेश्चंस और थीसिस स्टेटमेंट्स देयर। सो लास्ट नाइट आई थिंक शायद अली हैदर ने सबमिट
किया था मुझे प्रपोजल का ड्राफ्ट, तो मैंने मैंने उसमें यही कहा कि आई कैन सी ऑब्जेक्टिव्स, आई डिड नॉट सी रिसर्च क्वेश्चंस और थीसिस स्टेटमेंट्स. तो आई सेड कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पे जाने से पहले यहाँ पे एक और हेड ऐड करें और अपने रिसर्च क्वेश्चंस और थीसिस स्टेटमेंट्स वहाँ पे ऐड करें. ठीक है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है उसके बगैर आपका रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट नहीं होता, ना आपकी कोई भी स्टडी कंप्लीट होती. ये वट एवर प्रपोजल यू हैव मेड वो एक्चुअली वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आप प्रपोज कर रहे हैं फॉर रिसर्च दैट यू हैव कंडक्टेड. ठीक है, सो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है वो मीन्स अबिलिटी टू प्रोड्यूस फाइंडिंग्स दैट आर इन एग्रीमेंट विथ थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज. थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल वैल्यूज के लिए तो मैं आपसे आई ऑलवेज आस्क यू कि जी आपको लिटरेचर यूज करना है, आपको पास्ट स्टडीज देखनी है. सो पास्ट स्टडीज जिनको आप देख रहे होते हैं, आप यू आर इंक्लूडिंग लिटरेचर रिव्यू, यू आर इंक्लूडिंग ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. तो यू आर एक्चुअली सेइंग के जो पास्ट रिसर्चर्स ने काम किया, आई विल बी मूविंग अ स्टेप अहेड ऑफ ऑल ऑफ देम, और मेरी स्टडी जो है वो थ्योरेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली इट इज करेक्ट. ठीक है, पास्ट रिसर्चेज अगर शो कर रही हैं, या उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ पास्ट रिसर्चेज शो कि 32% स्टूडेंट्स चीट इन एग्जाम्स, और आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया फॉर मेजरिंग चीटिंग बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम्स और एग्जाम, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका नया इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली शोइंग कि यस चीटिंग रेशियो इज 32%, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि पास्ट रिसर्च भी 32% शो कर रही हैं और न्यू रिसर्च इज ऑल्सो शोइंग और योर रिसर्च इज ऑल्सो शोइंग कि 32% स्टूडेंट्स आर चीटिंग, इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया था योर इंस्ट्रूमेंट इज गुड. ठीक है, मे बी जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, मैंने आपको बताया था कि वो जो आपके टेबल में जहाँ पे टूल लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली योर इंस्ट्रूमेंट. टूल लिखा हुआ है सर्वे क्वेश्चनर, या आपने कहा कि आपने सर्वे किया, सो बेसिकली दैट वॉज योर टूल फॉर कलेक्टिंग डेटा. और कॉन्सेप्चुअली एंड थ्योरेटिकली पास्ट स्टडीज के साथ आपका न्यू डेटा कोइंसाइड कर रहा है, सो इट मीन्स योर स्टडी इज वैलिड. दूसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि वैलिडिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जो है आप दो तरीकों से डिटरमिन करते हैं, या तो आप कहेंगे एम्पिरिकल वैलिडेशन और दूसरा आप कहेंगे थ्योरेटिकल वैलिडेशन. ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हाईलाइटेड है, एम्पिरिकल वैलिडेशन एंड थ्योरेटिकल वैलिडेशन. ठीक है, सो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल जो वैलिडेशन है वो आपका थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट के थ्रू डिटरमिन होता है, विच मीन्स कि यू हैव रिव्यूड लिटरेचर, यू हैव प्रिपेयर्ड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और आपको लग रहा है कि आपकी स्टडी पास रिसर्चेस के साथ जो है उनसे डिनाई नहीं कर रही, बट इट इज़ इन लाइन विद दोज. तो आप कह रहे हैं कि जी मेरी स्टडी इज़ वैलिड एंड यू हैव थ्योरेटिकली कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू योर स्टडी. जितनी भी स्टडीज आप प्रपोज करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एम्पिरिकल वैलिडेशन का मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस आपसे मैंने कहा था कि देर इज़ अ मैथड जिसमें आप यू गो फॉर अ फोकस ग्रुप, यू गो फॉर इंटरव्यूज, यू गो यू यूज सर्वे फॉर डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा, ये सारे, या और यू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. फॉर इंस्टेंस आपने एक रूम में 20 बच्चे बिठाए और उनको टॉम एंड जेरी दिखाना शुरू कर दिया. After watching Tom and Jerry, if you feel that children were aggressive, they were behaving aggressively, तो आपका experiment probably proves that Tom and Jerry makes kids aggressive, क्योंकि Tom and Jerry में ठीक ठाक aggression मौजूद है. तो आप ये कह रहे हैं कि my empirical data is showing के children behaved aggressively after watching Tom and Jerry, या कोई और फॉर इंस्टेंस आफ्टर प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी जो कि बहुत एग्रेसिव गेम है. तो आप कह रहे हैं कि जी मैंने एम्पिरिकली वैलिडेट किया, विच मीन्स कि आपका ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट इज शोइंग के योर स्टडी इज वैलिड. समझ आई आपको अहमद नबी? यस मैम. आपको समझ आया कि दो तरह की वैलिडेशन है, आप एम्पिरिकल वैलिडेशन कर रहे हैं या थ्योरेटिकल वैलिडेशन कर रहे हैं? ठीक है, मेरे ख्याल में अपने प्रपोजल में थ्योरेटिकल वैलिडेशन को ही रखूंगा और कंटेंट वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में ही बात करूंगा.
हाँ ठीक है, दैट दैट लुक्स गुड. ठीक है, अब इम्पेरिकल वैलिडेशन के लिए वो ये कह रहा है कि इम्पेरिकल वैलिडेशन टेस्ट जो जो है, इम्पेरिकल वैलिडिटी जो है वो टेस्ट प्रैग्मेटिक और क्राइटेरियन वैलिडिटी. ठीक है, इट एक्चुअली मीन्स कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस इस केस में शायद इसका रिसर्च क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटीज डू बेटर इन देयर एग्जाम्स, या स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज परफॉर्म बेटर इन कोर्सेज एज वेल. तो अगर रिजल्ट्स जो भी आपने सर्वे क्वेश्चनर बनाया, ये डेटा कलेक्ट किया एंड द डेटा एक्चुअली शोज कि येस द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज और यूनियन एक्टिविटीज परफॉर्म बेटर इन एग्जाम, तो इसका मतलब है कि आपका इम्पेरिकल वैलिडेशन हो गई. योर डेटा इज एक्चुअली शोइंग के स्टूडेंट्स हु आर एंगेज इन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज या स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटीज परफॉर्म बेटर इन एग्जाम. तो वो कह रहे हैं कि इस सूरत में प्रैग्मेटिक और क्राइटेरियन वैलिडिटी इज डिटरमिंड. ठीक है, और इफ पास्ट रिसर्च इज ऑल्सो शोड द सेम थिंग, तो इसका मतलब है कि वैलिडिटी इज कंकरेंट, क्योंकि पास्ट रिसर्च इज शोड कि स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर और प्रेजेंट रिसर्च इज ऑल्सो शो कि स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इफ दे आर इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटीज. तो इसका मतलब है कि प्रैग्मेटिक क्राइटेरियन वैलिडिटी वहाँ पे भी डिटरमिन होगी. ठीक है, क्लियर है मैम? यस मैम। मैम मुझे यहाँ पे एक बात समझा दे, मेरा जिस तरह कंटेंट एनालिसिस भी है और सर्वे भी है, तो मेरे उसके अंदर ये एम्पिरिकल वैलिडेशन भी आएगी. बतूल, आप एक्चुअली वैलिडिटी में फिर दोनों चीजें मेंशन करेंगी. यू वुड से कि यू हैव क्वांटिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा इज वैलिडेटेड थ्रू एम्पिरिकल वैलिडेशन. आप ये वहां पे सिंपली यही लाइन लिखेंगी. ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जो आपके उसमें चूंकि फिल्म मौजूद है तो फिल्म के लिए आप उसको लिख देंगी कि थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल वैलिडेशन, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट के थ्रू वैलिडेट किया है. ठीक है, मैम मेरा क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से थोड़ा सा रिलेटेड है। वो बेसिकली ये कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में वो बता रहे हैं कि आपने दो ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि जिनके व्यूज डिफरेंट हैं ऑन द सेम इशू। आप और आगे आगे चले गए ना थोड़ा सा, मैं उस पे चलती हूँ, उस पे आती हूँ. आई विल ठीक है मूव मैम, ऑन टू नेक्स्ट ठीक है पेज, मैम, राइट? तो ओके मैम। बेसिकली वो आपको सिर्फ यही कह रहा है, और इसमें आप देखें ना कि यहाँ पे इसमें नंबर टू पे इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रिडिक्शन. ठीक है, प्रिडिक्शन तो एट टाइम्स, फॉर इंस्टेंस जो हमने सभा का केस देखा, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इफ यू गो टू गुजरांवाला एंड स्टार्ट आस्किंग पीपल के उसका डू यू थिंक हर फादर वॉज राइट, के उसने जो उसको मर्डर करने की कोशिश की एंड पीपल एक्चुअली सपोर्टेड हर फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप तो दिस इज समथिंग जो कि शायद आप सर्वे से पहले भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मोस्ट पीपल वुड गिव दिस टाइप ऑफ आंसर एंड मोस्ट पीपल वुड एक्चुअली सपोर्ट हर फादर. ठीक है, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये इसमें तो फिर आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, यू नो कि बिफोर एक्चुअली कंडक्टिंग द रिसर्च यू न्यू कि ये रिजल्ट आएंगे. ठीक है, तो आप ये क्वांटिटेटिव के केस में वो उसने थर्ड नंबर पे उसने प्रिडिक्टिव वैलिडिटी लिखी हुई थी, सो यू अंडरस्टैंड कि उसने कहा क्राइटेरियन, प्रैग्मेटिक, प्रिडिक्टिव, कंकरेंट के वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए फॉर इम्पेरिकल वैलिडेशन. ठीक है, जो आपके ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, या दूसरा आप कह रहे हैं कि जी मेरा माई इम्पेरिकल डेटा इज एक्चुअली शोइंग कि माई स्टडी इज वैलिड एक्सेट्रा. पास्ट स्टडी भी इम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड थी, नई स्टडी भी इम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड है, तो इसका मतलब है कि थ्योरेटिकल वैलिडिटी तो इवेंचुअली वहाँ भी आना शुरू हो जाती है बिकॉज यू आर यूजिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. सो आप एक्चुअली यू आर सेइंग कि आप सिंपली फॉर नाउ आप सिर्फ इतना ही लिख दें कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो इम्पेरिकल वैलिडेशन यूज़ किया और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो थ्योरेटिकल वैलिडेशन यूज़ की. ठीक है, ठीक वो आपसे ये कह रहा है कि थ्योरेटिकल वैलिडेशन आप उस वक्त एम्प्लॉय करते हैं जब आपकी एम्पिरिकल कंफर्मेशन इज डिफिकल्ट और मेजर इज टेकन टू हैव थ्योरेटिकल वैलिडिटी इफ द फाइंडिंग्स कंप्लाई विद योर थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन. तो मैंने तो आपसे थ्रू आउट इवन इन मीडिया थ्योरी के क्लास में और रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्लास में वी हैव बीन फोकसिंग ऑन लिटरेचर रिव्यू इन बोथ केसेस, राइट? तो
लिटरेचर रिव्यू का तो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वट एवर यू आर राइटिंग यू आर एक्चुअली थ्योरेटिकली वैलिडेटिंग जो भी आप कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं. अब आप इसमें इसमें आप चीज आगे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फेस वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी सेज कि एन इंस्ट्रूमेंट हैज फेस वैलिडिटी इफ इट सीम्स टू मेजर व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर. देखें ये प्रिडिक्टिव से फर्क है. तो प्रिडिक्टिव में था कि यू बीन प्रिडिक्टिंग और इसमें एक्सपेक्टिंग है. हाँ इसमें लिख रहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट इट शोज कि यही रिजल्ट आएगा राइट. ऑन द फेस वैलिडिटी वो ये कह रहा है इट इज मेजरिंग व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर ऑन द फेस ऑफ इट इट अपीयर्स टू हैव वैलिडिटी. तो वो ये कह रहा है कि आप कह सकते हैं. और यहाँ पे उसने कहा था कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको जो है कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो है फॉर इंस्टेंस इफ यू आर स्टडिंग के पाकिस्तान में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होती इन केस ऑफ एजुकेशन. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर सेइंग कि गर्ल्स एंड बॉयज जो हैं दे डोंट हैव पैरिटी राइट. अगर पेरेंट्स के पास इफ दे हैव लिमिटेड फंड्स सो दे एक्चुअली पिक अप देयर सन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टेड ऑफ देयर डॉटर. और खासतौर पे एजुकेशन अब्रॉड के केस में तो पेरेंट्स अक्सर बेटे को भेजते हैं बेटी को नहीं भेजते. सो यू नो कि यहाँ पे इस केस में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होगी ऑन द फेस ऑफ इट. यू नो कि पेरेंट्स विल चूज बिटवीन द बॉय एंड गर्ल द पेरेंट्स विल ऑप्ट फॉर देयर सन. ठीक है तो आपको वो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये होगा. ठीक है ठीक है मैम. मैम उन्होंने एक और चीज उन्होंने इधर कही है. उन्होंने कहा है कि इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर. हाँ तो देखिए फेस वैलिडिटी तो सब्जेक्टिव जजमेंट ही है ना. जी मैम सब्जेक्टिव जजमेंट है. आपको आपको लग रहा था कि जी बिटवीन द सन एंड डॉटर पेरेंट्स विल एक्चुअली ऑप्ट विल इन्वेस्ट इन देयर सन्स एजुकेशन. तो सब्जेक्टिव जजमेंट है ये. तो वो ये कह रहा है कि फेस वैलिडिटी है इसमें बिकॉज दिस इज द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर. ठीक है ठीक है. अभी इसमें और आगे कुछ और मेथड भी आ रहे हैं कि यू एक्चुअली लुक एट वर्क ऑफ अदर रिसर्चर्स वर्क आल्सो शोज के सब्जेक्टिव वैलिडिटी है. तो फिर आप यही कह रहे हैं कि जी फेस वैलिडिटी इसमें नजर आ रही है. ठीक है ठीक है मैम. उसके बाद उसने लिखा कि कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है. अब आपकी है फिल्म राइट. तो अगर जी मैम आपका था प्रोपेगेंडा इन द 21st सेंचुरी एक्सेट्रा. अब इफ यू स्टडी कवर्स एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च टॉपिक. ठीक है आपने फिल्म का नाम लिखा उसके बाद लिखा प्रोपेगेंडा इन द 21st सेंचुरी. मैम आपको ये पता होगा प्रोपेगेंडा की टाइप्स कौन सी हैं. आपकी फिल्म कौन सी टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा के ऊपर है. ठीक है इस तरह उसके हर एलिमेंट आपको पता हो अगर तो आई गेस ये कंटेंट वैलिडिटी अप्लाई होती है ना. इफ यू हैव कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉसिबल टॉपिक देन यू आर सेइंग कि कंटेंट वैलिडिटी इज डिटरमिंड बिकॉज यू हैवंट मिस्ड एनी एस्पेक्ट ऑफ योर टॉपिक. ठीक है ठीक और है, फिर आप क्योंकि अगर जब भी इवेंचुअली मैंने आपसे कहा था कि वो जो अभी पीछे एक नज़र आ रहा था रिसर्च प्रपोजल में कि चैप्टर 4 जो है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है एंड चैप्टर 5 इज क्वांटिटेटिव. तो आप उस में आप उस किस्म की चीज़ें भी अगर कर रहे हैं तो आप यही कह रहे हैं कि इन चैप्टर 4 यू हैव कवर्ड ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च टॉपिक. ठीक है ठीक है. यू आर सेइंग कि जी मैंने आई हैव डिटरमिन्ड कंटेंट वैलिडिटी. फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को वो ये कह रहा है कि आप मैम ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है बाकियों से क्या क्योंकि इसके अंदर यू आइदर नीड अ क्वेश्चनियर और अ सर्वे एंड इट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ सर्टेन ग्रुप. One of the groups, but the both of the groups need to differ in the basic idea of the issue. तो ही आप जाके अपनी 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 ideology वहाँ पे या अपनी findings या research उधर उधर test करते हैं. लेकिन अगर आपके पास if you have nothing to present, no instrument, जैसे कि आपके पास survey नहीं है, आपका आपने focus group में बिठाया हुआ, आपने questionnaire नहीं develop किया हुआ. तो आई गेस उस तरह की रिसर्च में यू कैन नॉट अप्लाई कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी और कैन इट बी अप्लाइड.
हाँ तो वो आपसे सिंपली यही कह रहा है ना कि आप यू हैव डेवलप्ड जो भी अपना एक टूल आपने जो डेवलप किया है वो टूल एक्चुअली वुड मेजर द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ टू ग्रुप्स। वो आपको ये कह रहा है कि आपको बिफोर इफ यू नो बिफोर हैंड कि दोनों ग्रुप्स का बिहेवियर फर्क है। फॉर इंस्टेंस एक औरत मार्च का ग्रुप था जिन्होंने वो डाल दिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, राइट। और जी मैम, एक दूसरा ग्रुप था जिन्होंने मेरा ख्याल है काफी रिलीजियस ग्रुप साथ में खड़े हो गए एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि जी ये तो बहुत दे डिड नॉट लाइक द क्लेम, राइट। सो यू नो फॉर श्योर कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं इनका बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज इज वेरी डिफरेंट, राइट। सो अगर आप सेम क्वेश्चनेयर दोनों के पास लेके जाएंगे तो दोनों ग्रुप्स के आंसर्स कुछ और होंगे। यू नो फॉर श्योर कि ये जो जो रिलीजियस ग्रुप था दे गेव अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम क्वेश्चन। दे प्रॉबेबली थॉट के वुमन कैन नॉट से मेरा जिस्म मेरी मर्जी, राइट। जबकि जो जो प्रोग्रेसिव ग्रुप्स थे उनका रिस्पॉन्स बड़ा क्लियरली ये था कि हाँ उसकी मर्जी, ठीक है। सो वुमन कैन से नो टू हर हस्बैंड, वुमन कैन से नो टू एनी वन और वुमन कैन डू वट एवर शी लाइक्स। जबकि रिलीजियस ग्रुप जो हैं वो वट एवर शी लाइक्स को शायद सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सो यू नो बिफोर हैंड कि दोनों ग्रुप जो हैं उनकी रिस्पॉन्सेज फर्क आएंगी। तो आपने जो भी टूल प्रिपेयर किया अगर इफ इफ दैट टूल गिव्स यू रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, आपकी फाइंडिंग इफ यू फील योर फाइंडिंग्स सो दैट बोथ ग्रुप्स हैव आंसर डिफरेंटली, तो आपका जो टूल था वो बिल्कुल ठीक था। योर टूल इज एक्चुअली शोइंग कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी बिकॉज आपके टूल ने ये नहीं दिखाया कि जो प्रोग्रेसिव ग्रुप था और जो रिलीजियस ग्रुप था देर आंसर्स वर सिमिलर, ठीक है। ठीक है मैम, हाउ 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 कैन आई शुड आई अप्लाई दिस वैलिडिटी मेथड इन माय प्रपोजल, शुड आई मेंशन दिस? अगर आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है अगर आप इसको कह रहे हैं कि अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली शोइंग के कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्ट आपका ठीक है थ्योरेटिकल देन यू कैन एक्चुअली यूज दिस, ठीक है मैम, ठीक है। बिल्कुल ठीक आप है। थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इज वैलिड, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जब आपको लगता है कि थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इज वैलिड, ठीक है। ठीक है मैम। उसके बाद ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी नजर आ रही है। इंटरनल वैलिडिटी इज अबाउट योर क्वेश्चनियर, फॉर एग्जांपल सर्वे क्वेश्चनियर आपने बनाया है, ठीक है। और आपको जी ये मैम। आपको आपको लग रहा है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, ठीक है। सो यू आर सेइंग कि इंटरनल वैलिडिटी है। फॉर इंस्टेंस बतूल ने एक सर्वे क्वेश्चनियर बनाया दैट इज मेजरिंग पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप, ठीक है। और उस क्वेश्चनियर में वो इफ शी फील्स के दिस क्वेश्चनियर इज गुड एनफ फॉर मेजरिंग पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप और एंड शी हैज कवर्ड एवरी एस्पेक्ट जो कि उसके अंदर होना चाहिए तो शी कैन एक्चुअली राइट के माई टूल जो है माई इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें इंटरनल वैलिडिटी है, ठीक है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी उस वक्त डिटरमिन होती है जब आप ये कह सकें कि जी मेरी स्टडी के रिजल्ट्स जनरलाइजेबल हैं। आई थिंक हमने काफ़ी बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया कि जनरलाइजेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडीज़। कि आपने एक सर्वे एक दफ़ा कंडक्ट किया कराची में और दूसरी दफ़ा कंडक्ट किया लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, पेशावर में और एवरी टाइम यू गो टू डिफरेंट लोकेशन फॉर कंडक्टिंग द सेम सर्वे। फॉर इंस्टेंस आपने इन पाँचों सिटीज में आगे मैरिटल रेप पर रिस्पॉन्स ली तो यू कैन से कि जी माई स्टडी इज जनरलाइजेबल। तो जैसे ही जनरलाइजेबिलिटी डिटर्मिन होती है आपकी वैलिडिटी आप जनरलाइजेबिलिटी के साथ आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। वहाँ पे दो वर्ड्स थे, एक थी वैलिडिटी और दूसरी थी जनरलाइजेबिलिटी। तो एक तो वैलिडिटी डिटरमिन हो गई ना, लेकिन वैलिडिटी जो जनरलाइजेबिलिटी के साथ आपकी रिलायबिलिटी भी डिटरमिन हो गई। आप देख रहे थे ना यहाँ पे दो वर्ड्स थे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी दोनों थे, देख रहे हैं। यस मैम। हाँ तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जब आप वैलिडिटी डिटरमिन कर रहे हैं तो वैलिडिटी तो डिटरमिन हुई लेकिन जैसे ही आपके सारे शहरों में एक जैसे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए योर स्टडी इज ऑल्सो जनरलाइजेबल एंड रिलायबल।
ठीक है मैम। ठीक है बतूल, क्लियर है? जी मैम आगे। ऑल राइट, फारूक कोई क्वेश्चन है? नो मैम। अहमद मसूद कोई क्वेश्चन है? नो मैम। आप थोड़ा सा लेट आए थे, आपका आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में? नहीं मैम। ऑल राइट, ओके। यू कैन ऑल्सो से कि वैलिडिटी हैज फ्रीड माई डेटा फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड कंटेमिनेशन, ठीक है, एंड फ्रॉम वेरिएबल मैनिपुलेशन। व्हाट डज दैट मीन? मैनिपुलेशन विच मीन्स कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। फॉर इंस्टेंस, आप में से समबडी आस्क्ड मी लास्ट टाइम कि जी मैं ये सर्वे क्वेश्चनर घर में सर्कुलेट कर दूँ, तो वो तो फिर मैनिपुलेशन हो जाएगी ना, बिकॉज और या फिर अपनी क्लास में ही अगर आपने सर्वे शेयर कर लिया, प्रॉबेबली इट्स ओके फॉर द एक्सरसाइज पर्पसेस, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर रिसर्च एट लार्ज, क्योंकि आपने पब्लिक रिस्पॉन्स अगर आपको स्टडी करनी है तो आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इवन अपने रिसर्च एथिक्स के साथ भी क्लैश करेगा ना? रिसर्च एथिक्स के साथ क्लैश करेगा, विच मीन्स के कंटेमिनेशन होगी उसमें, ठीक है, इंटरफेरेंस होगी। अपनी मर्जी के लोगों को फोकस ग्रुप में बुला लेंगे तो आप यू आर मैनिपुलेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। आपने सारे सारे के सारे औरत मार्च वाले लोग बिठा दिए ग्रुप में फॉर डिस्कसिंग एन इशू, तो उनके तो बड़े लिबरल व्यूज होंगे, विच मीन्स कि आपने रिलीजियस ग्रुप को आउट कर दिया, राइट? तो इसका मतलब है कि वेरिएबल मैनिपुलेशन हो गई ना, कि यू आर स्टडिंग इफ वुमन शुड हैव द राइट टू से ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वेरिएबल मैनिपुलेट हो गया उसके अंदर, सो आपका डेटा जो है वो कंटेमिनेट हो गया, सो योर स्टडी इज रॉन्ग एक्चुअली। वो ये यहाँ पे उसने सिर्फ ये कहा है कि सम पीपल यूज द वर्ड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, अदर्स यूज क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस ऑन एंड ऑथेंटिसिटी, ठीक है? ठीक है मैम। ऑल राइट, क्यूमुलेटिव वैलिडेशन जो है वो क्या होती है? उस सूरत में जब आपको कहता है कि आपका यो डेटा इज सपोर्टेड बाय अदर स्टडीज, कि वट एवर यू आर शोइंग कि दिस फिल्म इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, योर फाइंडिंग्स शो आफ्टर एन एनालाइजिंग, अगर आप कंक्लूजन में ये लिख रहे हैं कि इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म एंड यू हैव प्रूव्ड हाउ द फिल्म इज यूज्ड फॉर प्रोपेगेंडा बाय वट एवर गवर्नमेंट और बाय वट एवर प्रोड्यूसर एक्सेट्रा, तो यू आर सेइंग कि ये एक तो इट इज़ इट हैज़ कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, और उसके बाद यू आर सेइंग कि माय फाइंडिंग्स आर आल्सो सपोर्टेड बाय पास्ट स्टडीज, के हाउ द फिल्म्स वर यूज्ड फॉर प्रोपेगेंडा, और इस वक्त आपकी स्टडी इज शोइंग कि इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म, तो आप ये कह रहे हैं कि क्यूमुलेटिव वैलिडेशन भी हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो आप, हाँ, सो मैं आप उस सूरत में ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि एम्पिरिकल डेटा यूज ही नहीं कर रहे, राइट? सो एम्पिरिकल डेटा अगर यूज नहीं कर रहे तो क्यूमुलेटिव वैलिडेशन इज अनदर मेथड ऑफ शोइंग के जी माय स्टडी इज वैलिड। कम्युनिकेटिव वैलिडिटी इसके नीचे है। फॉर इंस्टेंस, जो लोग सर्वे कंडक्ट कर रहे थे, सर्वे के बाद उनको लगता है कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट हैव नॉट बीन आंसर्ड, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? यू कैन आस्क एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स। आपने एक फोकस ग्रुप बनाया था या इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे या जो भी किया था, आपको लगता है कि आपने स्टडी लिखने के बाद यू शेयर्ड द स्टडी विद इन्फॉर्मेंट्स फॉर इंस्टेंस, और आपको लगा कि इन्फॉर्मेंट्स से आपने फीडबैक लिया कि ये मेरी रिसर्च ठीक है या गलत है, एंड योर इन्फॉर्मेंट्स आर सेइंग कि दे डू नॉट एग्री विद दिस और दैट एस्पेक्ट, तो वो ये कह रहा है कि आप उसको एडिशनल क्वेश्चनिंग के थ्रू भी वैलिडेट कर सकते हैं, बिकॉज देन यू विल रीड्रेस इश्यूज जो कि पहले कवर नहीं हुए, ठीक है? और आर्ग्यूमेंटेटिव वैलिडेशन, इट ओनली मीन्स कि अगर आपका इफ यू हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और उस आर्ग्यूमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं रह गई, आपने एक आर्ग्यूमेंट डेवलप किया, फॉर इंस्टेंस जो क्वेश्चन था हिंदू वाली स्टडी थी इसकी, हिंदू इन पाकिस्तान या अली खान, अली खान, ठीक है,
और उस स्टडी को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, देर इज समथिंग आई डोंट एग्री विद, राइट। लेकिन अगर अगर तो आई डोंट एग्री विद समथिंग, तो मैंने उस पर क्वेश्चन रेज कर दिया। सो अली खान हैज टू क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट जो कि विच इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर ऑल द रिसर्चर्स, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने सब कुछ कवर कर दिया है और आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रॉन्गली डेवलप किया है दैट आंसर्स एनी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन दैट एनीबॉडी हैज इन माइंड, तो आप आर्ग्यूमेंटेटिव वैलिडिटी भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इकोलॉजिकल वैलिडेशन विच मीन्स सभा की नेचुरल एनवायरनमेंट है गुजरांवाला या सम अदर प्लेस, तो आपने जब नेचुरल एनवायरनमेंट में उस स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं सो इट मीन्स कि इकोलॉजिकली वो वैलिड है, ठीक है। सो बिकॉज यू आर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द रिसर्च। अगर सभा के केस में कि अगर उसने अपनी मर्जी की, या मैरिटल रेप के केस में इफ़ यू आर स्टडिंग इट इन पाकिस्तान और इन लाहौर जहाँ पे आपको पता है कि रिस्पॉन्डेंट्स हैव पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन एंड कंडीशन एक्सेट्रा, तो देन यू कैन से दिस स्टडी वॉज कंडक्टेड इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। So my study is valid because it is conducted in the natural environment. Or uske alawa bhi you can think about other methods of validating. Aur phir wo aapse ye keh raha hai ki jo aapne study ki you must be sure ke representative hai, theek hai। Maine aapse kaha tha ki it's extremely important ke jo research conduct hui hai they should represent people across Pakistan। सो मैरिटल रेप पे अगर स्टडी आपने सिर्फ बीकन हाउस में कंडक्ट कर दी सो पीपल एट जीसी प्रोबेबली शुड हैव यू नो उनसे अगर आपने कंडक्ट की तो टू स्टडीज शुड हैव सम सिमिलैरिटी इन देम। और फिर उसको आप ले गए पंजाब यूनिवर्सिटी, देन यू टुक इट टू यू नो लाइक यूनिवर्सिटीज के अलावा आपने स्टडी कंडक्ट की से इन वॉल्ड सिटी इन शादरा इन भाई फेरू एक्सेट्रा, एंड देन यू आर सेइंग कि मैंने जहाँ जहाँ सर्वे कंडक्ट किया आई हैव इंक्लूडेड ऑल काइंड ऑफ पीपल एंड स्टडी इज रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे ही आपकी स्टडी रिप्रेजेंटेटिवनेस चेक हो गई तो इट मीन्स कि योर स्टडी इज प्रोबेबली वैलिड, ठीक है। यू आर एक्चुअली सेइंग कि मेरी स्टडी थियोरेटिकली करेक्ट है, राइट। सो आपने आपने उसके थ्रू आपने चूँकि आपने आपकी स्टडीज़ में आप कोई ऐसी चीज़ें नहीं ऐड कर रहे दैट आर यू नो लाइक कॉन्ट्रास्ट केसेस होंगे, तो आप कॉन्ट्रास्ट को फिर आपको रिड्रेसल चाहिए होगा कॉन्ट्रास्ट के केस में। और अगर जो आपके देखिए मैंने आपसे शायद कहा था कि वो जो हिटलर की फिल्म है ट्रायम्फ ऑफ द विल, आपको डिड वी डिस्कस इट कि हिटलर इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रायम्फ ऑफ द विल, तो वो yes, ma'am, multiple times. दुनिया के जो सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म्स में से एक है, इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म क्लासिक, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप देखें ना कि आपकी फिल्म का नाम तो है आर्म्ड विद फेथ। जी अगर आप लिटरेचर रिव्यू में कोई ऐसी चीज कह रहे हैं विच समबडी हैज सेड अबाउट ट्रायम्फ ऑफ द विल और एनी अदर प्रोपेगेंडा फिल्म, तो आप तो ऑलरेडी aligning you know your aligning your ideas with the propaganda films of the past, aapne literature review mein include kar liya papers on propaganda films of the past and you also included in your theoretical framework propaganda films, to agar aap literature mein propaganda print media ke bajaye propaganda through films ya selected films jinko propaganda films mein recognize kiya jata hai उसमें से आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, यू नो ठीक है मैम। प्रोपेगेंडा फिल्म्स के पेपर प्रिंट मीडिया प्रोपेगेंडा के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है आपके लिए। जी मैम, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स है वो दे आर मच मोर दे आर मोर कंट्रास्ट मोर सूटेबल। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आपने उसको उनका लिंक डेवलप कर दिया ना थ्योरेटिकल। And secondly, your एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जब आई कीप ऑन सेइंग कि आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं यू आर एक्चुअली लुकिंग एट यू नो पास्ट स्टडीज, क्योंकि पास्ट स्टडीज के थ्रू आपको ये पता चलता है कि वॉट पीपल हैव डन इन द पास्ट एंड वॉट आई नीड टू डू नाउ, एंड इन मैनी केसेज यू आर कमिंग अप विद अ न्यू क्वेश्चन और मूविंग अ स्टेप अहेड।
ठीक है, सो बेसिकली आपने उनके साथ लिंक तो डेवलप कर दिया ना, और दूसरी बात जो है वो आप को ये कह रहा है, एक तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, दूसरे उसके कह रहा है कि रिसर्चर इफेक्ट्स को अवॉइड करना है, ठीक है। रिसर्चर इफेक्ट मिसाल के तौर पे आप फोकस ग्रुप में हैं, आप खुद ही क्वेश्चंस कर रहे थे, सो यू आर नॉट लेटिंग पीपल गिव देयर ओन रिस्पॉन्सेज, यू आर टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग नॉन स्टॉप एंड पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, ठीक है। तो उसका मतलब है कि पीपल आर एक्चुअली नॉट गिविंग देयर ओन आइडियाज इन द फोकस ग्रुप डिस्कशन, दे आर एक्चुअली सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, इसका मतलब रिस्पोंडेंट्स पे आपका इफेक्ट आ गया। तो आपको वो ये कह रहे हैं कि यू हैव यू शुड चेक के फोकस ग्रुप हुआ या सर्वे में तो देखें रिस्पोंडेंट रिसर्चर इफेक्ट आएगा नहीं, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्वे के केस में तो यू आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, ठीक है। लेकिन फोकस ग्रुप के केस में इफ़ यू आर मैनिपुलेटिंग डिस्कशन तो रिसर्चर इफेक्ट आएगा। तो आपको वो ये कह रहा है कि यू हैव टू अवॉइड रिसर्चर इफेक्ट, आपको अनऑब्ट्रूसिव मेथड यूज करना है, बिकॉज इफ़ यू आर सेइंग कि मैंने डेटा कलेक्ट किया विदाउट द रिसर्चर इफेक्ट, अनऑब्ट्रूसिव मेथड यूज किया, आई पब्लिश्ड ऑनलाइन क्वेश्चनियर जिसपे पीपल रिस्पॉन्डेड एंड देन आई एनालाइज डेटा बाय SPSS, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा तो बिल्कुल अनऑब्ट्रूसिव मेथड था, माय स्टडी डज नॉट हैव एनी रिसर्चर इफेक्ट, माय फाइंडिंग्स आर फ्री ऑफ रिसर्चर इफेक्ट एंड कंटेमिनेशन। जी सैफ, कुछ समझ आया? जी मैम, क्लियर। आपको एक फाइल मैंने भेजी है, वो भी प्लीज देख लेना। फाइल आपने प्रपोजल की हेडिंग में अपलोड की है? मैंने उसको अपलोड किया है असाइनमेंट 2 में, टेबल वाली में। अच्छा, प्लीज आप लोगों से आप लोग असाइनमेंट 2 में कुछ भी मत अपलोड करें, उसकी वजह ये है कि ये मैंने क्रिएट किया था फाइनल प्रपोजल अपलोड हियर, तो फाइनल प्रपोजल में जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों से मांगी थी वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, लिमिटेशन ऑफ स्टडी, डिस्कशन, एनालिसिस, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मेथड में मैंने आपसे कहा था मेथड में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी सब कुछ आएगा, एवरीथिंग, राइट। सो अब आप लोग किसी और असाइनमेंट की हेडिंग में कुछ भी मत पोस्ट करें, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं आई कीप गोइंग टू असाइनमेंट्स। अब यहाँ पे चूँकि ये क्रिएट हुआ हुआ है तो यहाँ पे जितने भी मुझे अपलोड्स नज़र आ रहे हैं, दिस प्रपोजल कंटेन्स एवरीथिंग जो आप लोग प्रपोजल्स अपलोड कर रहे हैं। सो अब मैं आई विल नॉट बी गोइंग बैक टू असाइनमेंट्स, जो कुछ भी मुझे पढ़ना होगा मैं यहाँ से, हाँ, सो आप मेक श्योर कि यू आर नॉट पोस्टिंग एनीवेयर एल्स। ये तो हमें अपलोड ये क्रिएट किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, आई थिंक created right after the last class, right? तो इस वक्त proposal, क्योंकि you are publishing complete proposal or uploading complete proposal, so only upload here, ठीक है? Okay. हाँ, because it's not possible कि I keep checking all of these things. वो तो उनकी तो deadlines थी ना सारों की, तो अगर वो वहाँ पे आ गए होते तो मैं आप I could give you feedback earlier, और उस feedback की basis पे आप जो बेस्ट कर सकते थे उस वक्त कर सकते थे, राइट? तो इस वक्त तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि जस्ट अपलोड इट हियर। मैं भी कर देता हूँ उसको दोबारा। हाँ, यहीं पे आप जो भी प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाटएवर यू आर अपलोडिंग ओनली अपलोड हियर, चाहे वो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है, सेकंड ड्राफ्ट है, लेकिन मेक श्योर के आप एवरीबॉडी अपलोड्स प्रपोजल्स टुडे। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। दूसरी चीज जो है, एक चीज मैंने आपसे कहा था कि इफ यू आर यूजिंग कंटेंट एनालिसिस मेथड एंड इफ यू आर यूजिंग सर्वे मेथड, जो कि बतूल के केस में इस वक्त दोनों नजर आ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि इट्स कॉल्ड ट्रायंगुलेशन ऑफ मेथड्स। सो जैसे ही दो मेथड, जब जैसे ही द मिनट यू यूज टू मेथड्स
और दोनों मेथड की फाइंडिंग्स जो हैं वो आपको मैरिटल रेप पे जो भी आपके कमेंट्स थे, यू कैन सी कि आपके दोनों मेथड जो हैं उसकी फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट हैं कि नहीं हैं। और मैरिटल रेप के को जो भी पाकिस्तान में समझा जाता है उस पर आपके कोई ऑब्जर्वेशंस होंगे, दैट्स हाउ यू विल डिस्कस द प्ले। सो बेसिकली ट्रायंगुलेशन के थ्रू भी आपकी स्टडीज जो हैं वो वैलिडेट हो जाती हैं। यू आर सेइंग कि आई यूज ट्रायंगुलेशन ऑफ मेथड्स दैट एक्चुअली डिटरमिन्स दैट माय स्टडी इज वैलिड, ठीक है। और वेइंग ऑफ एविडेंस जो है वो आपको कह रहा है टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द फाइंडिंग्स कैन बी अकम्प्लिश थ्रू वेइंग द एविडेंस, फॉर एग्जाम्पल बाई यूजिंग बेटर इन्फॉर्मेंट्स। अगर आपने फोकस ग्रुप किया था, कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसके जवाब फोकस ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में, इफ़ यू हैव पीपल हु आर वेरी क्वाइट एंड नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच, तो डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी क्वेश्चन यू कैन हैव बेटर इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। सो यू आर सेइंग के, और जब आप किसी चीज़ को वापस करते हैं टू योर यू नो कम्युनिकेटिव वैलिडिटी, एक पीछे लिखा हुआ था, सो जैसे ही यू आर गेटिंग यू आर टेकिंग योर स्टडी बैक टू द इन्फॉर्मेंट्स एंड दे आर गिविंग देयर ओपिनियन अगेन, तो उसके थ्रू भी यू नो यू आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग इट। तो बेटर इन्फॉर्मेंट्स कलेक्टिंग डेटा एंड अंडर बेटर सर्कमस्टांसिस एंड थ्रू वैलिडेटिंग द डेटा आप डिटरमिन कर लेते हैं कि माई स्टडी इज़ वैलिड। इसके आगे लिखा हुआ है चेकिंग द मीनिंग ऑफ आउटलायर्स एंड एक्सट्रीम केसेस। फॉर इंस्टेंस आप मैरिटल रेप पे यू डिसाइडेड टू इंटरव्यू 20 पीपल, राइट, कि मैं सर्वे के बजाय इंटरव्यूज कर रही थी, राइट और आपको कोई ऐसा रिस्पोंडेंट मिला जो कि आपको लगता है एक्सट्रीम केस है जी, ठीक है, तो आप बजाय ये कि यू थिंक कि जी आई शुड नॉट रिपोर्ट बिकॉज इट्स नॉट इट्स टू 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 मच इन कॉन्ट्रास्ट विद व्हाट एवरीवन एल्स इज सेइंग, तो वो ये कह रहा है कि आप ये नहीं करेंगे बिकॉज इफ देयर इज एन आउटलायर और एन एक्सट्रीम केस उसको यू मस्ट स्टडी क्लोजली ताकि आप जो फाइनल एनालिसिस लिख रही हैं एंड योर मेथड वाज फॉर इंस्टेंस इंटरव्यूज ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, तो आप अनयूजुअल इवेंट्स को इग्नोर करके नहीं जाएंगे। सो बिफोर अनयूजुअल या आउटलायर को भी आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपकी फाइनल फाइंडिंग्स तो बेस्ड मोस्ट के ऊपर ही होंगी कि व्हाट मोस्ट रिस्पोंडेंट्स आर सेइंग, लेकिन इफ देयर इज एन आउटलायर, फॉर इंस्टेंस वो जो था जो स्टडी थी पाकिस्तान की फिल्म में रेप सीन्स की, उसमें उसने मेंशन किया कि जी ऑल फिल्म्स लाइक इफ शी हैड स्टडीड 35 फिल्म्स, ऑल फिल्म्स के एंड में ऑल फिल्म्स शोड विमेन बीइंग रेप्ड, और देन शी सेड के बोल में विमेन रेप नहीं था बल्कि रेप ऑफ ट्रांसजेंडर था, राइट, तो वो दैट वाज डिफरेंट इन हर पर्टिकुलर सैंपल। तो उसने उसको मेंशन किया कि ऑल फिल्म्स एक्सेप्ट बोल फोकस्ड ऑन रेप ऑफ विमेन, रेप सीन्स जितने थे सारी फिल्म में एक्सेप्ट बोल फोकस्ड ऑन रेप ऑफ विमेन, ठीक है, डिसऑनर डिसऑनरिंग फीमेल बॉडी एक्सेप्ट बोल। तो वो ये कह रहा है कि आप उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि ताकि आपको एक्सट्रीम केस या डिफरेंट केस को इग्नोर करने के बजाय उसको आप रिपोर्ट करें, और फिर आपको कोई चीज़ फॉलोइंग अप सरप्राइजेस जो है, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट था जो डिफरेंट था, सरप्राइजिंग था, तो वो ये कह रहा है कि उसको भी आप डिस्कार्ड करने के बजाय उसको देख लें कि क्या होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको अभी बोल की एग्जांपल दी, मैंने कहा ये एक डिफरेंट था, एक्सट्रीम केस था, आउटलायर था या सरप्राइजिंग था कि मेल रेप ट्रांसजेंडर का रेप दिखाया, और देन यू आर सेइंग कि ओ ट्रांसजेंडर वाज आल्सो मर्डर्ड बिकॉज बाकी रेप फिल्म्स जो थी उनमें भी डेथ वाज द रिजल्ट, ठीक है। सो पाकिस्तानी फिल्म में अगर उस इफ़ शी हैड फाउंड 35 सैम्पल्स
एंड इन एवरी केस जहाँ पे डिसऑनर्ड फीमेल बॉडी की का जो एंडिंग थी वो डेथ पे थी. तो यू आर सेइंग कि जी ये एक डिफरेंट था, मोस्ट वर वेमेन हुज फेट वॉज डेथ, बट ट्रांसजेंडर कैरेक्टर जो है हिज फेट वॉज डेथ एज वेल. ठीक है. और देन ही इज सेइंग कि जी आपने नेगेटिव एविडेंस, अब आपका क्लेम ये था कि जी पाकिस्तानी फिल्म रेप सीन के केस में वुमन को मार देती है, दैट वॉज योर क्लेम. नाउ यू फाइंड के एक यू फाइंड अ कैरेक्टर इन अ फिल्म जिसमें रेप्ड वुमन एक्चुअली सर्वाइव्ड बिकॉज समबडी सेड के इसमें इसका क्या कसूर था, राइट? रेप के केस में तो आपका कंसेंशुअल नहीं है ना. सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि नेगेटिव एविडेंस अगर आपको नजर आया तो यू मस्ट रिपोर्ट नेगेटिव एविडेंस एज वेल. जी मोहम्मद अली 119, आर यू क्लियर अबाउट व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ? वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि नेगेटिव एविडेंस अगर आपको आपका जो भी क्वेश्चन था या थीसिस स्टेटमेंट थी या ऑब्जेक्टिव व्हाटएवर यू वर स्टडीइंग, आपकी फाइंडिंग्स के अगेंस्ट आपको कोई नेगेटिव एविडेंस नजर आ रहा है तो आप उसको फुली यू विल थिंक अबाउट इट, यू विल फुली डिग इनटू इट बिफोर क्लोजिंग योर स्टडी. ठीक है. और वो कह रहे हैं कि इफ देन टेस्ट भी कर सकते हैं. देखें जो आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी में तो इफ देन टेस्ट बड़ा आसान है, और इवन जो क्वालिटेटिव है उसके केस में अगर आपको लगता है कि सबा के बाप ने तो कह भी दिया कि अगर मेरी दूसरी बेटी भी ये करेगी तो मैं उसको भी मारूंगा, राइट? सो बेसिकली यू नो बिफोर हैंड कि जी इफ सबाज यंगर सिस्टर डज दिस शी विल ऑल्सो फेस द सेम फेट, राइट? कि उसका बाप और उसका चाचा उसको भी मारने की कोशिश करेगा, राइट? सो इफ देन टेस्ट, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा. सो ही इज सेइंग कि इफ देन टेस्ट के थ्रू भी आप डिटरमिन कर सकते हैं कि एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो आप की हाइपोथेसिस जो है वो यही है कि इफ दिस हैपेंस देन दिस विल हैपन, राइट? और उसके बाद वो कह रहे हैं रूलिंग आउट स्पूरियस रिलेशंस. वो ये कह रहा है कि आपने यू आर इवेल्यूएटिंग योर डेटा और आपको लगता है कि इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सीम्स वेरी वीक, राइट? तो फिर आप कह दें कि जी माई स्टडी डिड नॉट प्रूव, माई स्टडी एक्चुअली प्रूव्ड के हाइपोथेसिस वॉज रॉन्ग, माई स्टडी प्रूव्ड यू नो लाइक क्वेश्चन की सूरत में तो यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स टू द क्वेश्चंस, लेकिन जहाँ थीसिस स्टेटमेंट्स या क्लेम्स थे योर थीसिस स्टेटमेंट जो है इट इज़ प्रूव्ड रॉन्ग एट द एंड ऑफ द स्टडी. तो आपकी स्टडी ये बता रही है कि योर थीसिस स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग, तो देन यू विल रिपोर्ट माई थीसिस स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग, देर वॉज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो वो आपको ये कह रहा है कि स्पूरियस रिलेशन जो हैं उसको जस्ट रूल देम आउट. ठीक है. और फिर वो ये कह रहा है कि रेप्लिकेटिंग अ फाइंडिंग, आपने जो मैंने आपसे कहा कि यू कंडक्टेड अ सर्वे इन गुजरांवाला और अ फोकस ग्रुप इन गुजरांवाला एंड अ फोकस ग्रुप इन पेशावर, एंड जब भी आपने रेप्लीकेट किया रेप्लीकेशन टेस्ट री टेस्ट एक्सेट्रा में यू लर्न if you are getting similar results or if you are getting different results or contrasting results. तो replicating findings से आपको फौरन पता चल जाता है कि जो आपने पहले results निकाले if they are right or wrong and you can rewrite your decisions or findings or conclusions. ठीक है. और then next he says rival explanations. For instance आपको ये लगता है कि जी ये तो लिबरल ग्रुप था, दिस इज़ हाउ दे आर डिस्कसिंग, तो आप ये कह रहे हैं कि जी माई स्टडी आई वेंट टू यू नो लाइक के मैं स्टडी मेरी सैम्पल इंक्लूडेड विमेन ऑफ सर्टेन एनजीओज और लिबरल ग्रुप्स, तो जबकि राइवल एक्सप्लेनेशन तो उससे फ़र्क होगी, राइट?
तो वो ये कह रहा है कि यू कैन एक्चुअली कंपेयर, यू लुक फॉर राइवल एक्सप्लेनेशंस, आपकी फाइंडिंग्स कुछ और बता रही हैं, एंड समबडी सेज के नो माय फाइंडिंग्स शो समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो आप राइवल एक्सप्लेनेशन को रीचेक करके, बीइंग अ रिसर्चर इट्स इम्पॉर्टेंट कि चेक आउट राइवल एक्सप्लेनेशंस एंड देन यू गो बैक टू योर ओरिजिनल फाइंडिंग्स एंड एंड चेक के वेयर यू मेड अ मिस्टेक. ठीक है, और ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि फीडबैक फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स, अगर आप सेम रिस्पोंडेंट के पास चले गए, फोकस ग्रुप किया था, इंटरव्यूज़ किए थे बिफोर फाइनली अनाउंसिंग के जी दिस इज़ माय कंप्लीट रिसर्च पेपर, यू टेक योर स्टडी बैक टू द इन्फॉर्मेंट्स एंड आस्क देम के टू लुक एट इट, और वो आपको बता देंगे कि आपकी स्टडी ठीक है या गलत है. और वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन ज़रूर कर लें, बिकॉज अगर इफ़ यू कैन मेथड ऑफ डिफरेंसेस कॉन्ट्रास्ट और आप यू कैन कंपेयर योर फाइंडिंग्स. ठीक है, तो अगर जब भी आप अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर करेंगे विद द रिसर्च बाय समबडी एल्स, यू विल लर्न कि आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ओके, सो जो भी रिसर्च है, ऑल रिसर्चेस, वो ये कह रहे हैं कि उनमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कन्फर्मेबिलिटी होनी चाहिए, स्टडीज शुड बी रिलायबल एंड डिपेंडेबल, और इंटरनल वैलिडिटी भी होनी चाहिए ताकि आपका टूल स्ट्रॉन्ग है, ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है, वैलिड है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होनी चाहिए विच मीन्स कि इट रिप्रेजेंट्स पब्लिक एट लार्ज, और ट्रांसफरेबिलिटी ओनली मीन्स के फ्रॉम कराची टू लाहौर टू पेशावर योर फाइंडिंग्स वर कंसिस्टेंट. ठीक है, फॉर इंस्टेंट ऑन मैरिटल रेप इशू, आप जहाँ जहाँ गए आपकी फाइंडिंग्स बड़ी कंसिस्टेंट थी, तो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं तो आपका रिप्रेजेंटेटिवनेस की वजह से आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी डिटर्मिन हो रही है. ठीक है, और प्रैग्मेटिक हमने पहले भी किया था कि प्रैग्मेटिक क्राइटेरियन वैलिडिटी, तो यूटिलाइजेशन ऑफ टूल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन है अबाउट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी? नहीं मैम, अभी तो मेरा भी कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक. अफरोज, कोई क्वेश्चन है रिलायबिलिटी के ऊपर, वैलिडिटी पे? मैम ये नो एक और असाइनमेंट भी है हमारी. हाँ, वो असाइनमेंट मुझे इसलिए मैंने दी कि आप सब लोग प्रपोजल में रिसर्च पेपर लिख रहे थे, तो मैंने आपको रिसर्च पेपर लिखने का मौका दे दिया, और ये जो मेथड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ के कुछ चीज़ें भी वहाँ पे डाल दी, तो आप कुछ चीज़ें तो दोनों जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, बट देयर यू विल बी एक्चुअली राइटिंग अ पेपर. यहाँ पे आपके पास पेपर राइटिंग की ऑप्शन नहीं है. प्रपोजल को तो हम आज क्लोज कर रहे हैं ना, वी आर क्लोजिंग इट टुडे. रिसर्च प्रपोजल को आज हम क्लोज कर रहे हैं. आई विल सी कि मैं मैक्सिमम टाइम जो आज के दिन में आपको दे सकती हूँ वो मैं आपको दे दूंगी. ठीक है, मैम इसमें प्लीज आपने वो आखिरी हेडिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, उसमें रिसर्च प्रपोजल में हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे? रिसर्च प्रपोजल में आपने एनालिसिस नहीं करनी बतूल, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था आज के दिन में, राइट? आपका आपने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप यहाँ पे मैम इससे नीचे वाली जो हेडिंग है ये था ना, इसके नीचे वाली जो ये डाटा कलेक्शन एनालिसिस एंड डिस्कशन, इसमें क्या करना है? आपको मैंने ये यही तो कह रही हूँ कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था. जी जी, तो मैंने आपको उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आपके, आपको तो दोनों अप्लाई हो रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, राइट? सो यू आर सेइंग कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम, यू नो, आपने क्वांटिटेटिव अगर यूज़ किया फ्रॉम सर्वे,
या सर यूजिंग सर्वे क्वेश्चनर, तो आप यहाँ लिखेंगी कि आप इन दोनों को इकट्ठा लिखने के बजाय अलग अलग लिखते हैं। आप लिखते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा इज कलेक्टेड थ्रू सर्वे क्वेश्चनर एंड क्वालिटेटिव डेटा जो है उसके लिए यू यूज द फिल्म, ठीक है, या सीरियल, ठीक है। ये आपने डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद आपने इसके अंदर आपने लिखा कि ये थोड़ा सा लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव के बारे में, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया था कि आपसे मैंने कहा था कि अगर आप क्वांटिटेटिव की बात कर रही हैं तो आई सेड आई सजेस्टेड कि लुक एट द टेबल दैट एक्चुअली हैज वेरिएबल्स। आपके गूगल क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में आपको यहाँ पे जब आप इसमें जाती हैं रीडिंग्स में, ठीक है, आप रीडिंग्स में आप यहाँ पे अगर आप ये देखें आपकी ये जो डिफरेंट रीडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपको एक वेरिएबल्स की भी हेडिंग नज़र आ रही होगी जो कि हमने हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया था टॉपिक, ठीक है। आप ये देख रही हैं मेजरमेंट्स एंड वेरिएबल्स की, इसके अंदर एक टेबल मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, ये वाला टेबल। सो इफ़ यू लुक एट दिस टेबल फॉर इंस्टेंस, मैंने आपसे कहा था कि इस टेबल में टेबल 3.1 मेजरमेंट एंड स्केलिंग, इसमें आपके पास क्राइटेरिया नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो वेरिएबल्स के नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है रेलेवेंट स्टेटिस्टिकल टेस्ट फॉर इंस्टेंस, वो आपको कह रहा है कि नॉमिनल के को ये वाला टेस्ट अप्लाई होता है, ये लंबार्डा टेस्ट, ये X2 जो है दिस इज काई स्क्वेयर टेस्ट, ठीक है। और ये इसी तरह ये बाकी सारे टेस्ट जो हैं ये हमने चूँकि हमारी इस कोर्स में SPSS बहुत डिटेल में पढ़ने की हमारे पास टाइम नहीं था, बट इट सिंपली टेल्स यू कि अगर आप SPSS यूज़ कर रहे हों तो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में ये टेस्ट अप्लाई होते हैं आपको, ये इट्स रेशो पे ही इट्स सेइंग टी टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट, पियर्सन टी टेस्ट अनोवा टेस्ट इंटरवल वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है, ऑर्डिनल पे ये आपको कह रहा है कि साइन टेस्ट या विटने टेस्ट या स्पीयरमैन्स पी टेस्ट एक्सेट्रा, राइट। ये टेस्ट तो आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए बट राइट नाउ यहाँ पे आपको यू आर ओनली राइटिंग यू नो लाइक वन और टू लाइन्स, तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप फॉर इंस्टेंस आप ये कह रहे हैं कि जी नॉमिनल में फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जेंडर जो है वो नॉमिनल वेरिएबल है मेल फीमेल, राइट, और ये नॉमिनल वेरिएबल है लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेल और फीमेल की रिलेशनशिप और रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप, राइट, आप कह रहे हैं कि मोर मोर मैन दैट देन विमेन थिंक के जी के मैरिटल रेप इज नथिंग, राइट। तो आप यहाँ वाला ये जो टी टेस्ट जो है, टी टेस्ट आप दो डिफरेंट वेरिएबल्स आपने कहा कि इस एज ग्रुप का मेल और इस एज ग्रुप एज एंड जेंडर दोनों को आप दोनों को विद के आपने कहा कि क्वेश्चन ये था कि इज देयर अ थिंग लाइक मैरिटल रेप, ठीक है, और जी वो आपने यहाँ पे डाला हुआ था एग्री डिसएग्री ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपने कहा कि जी दो मैंने एज एंड जेंडर अगेंस्ट इज देयर अ थिंग विद एज मैरिटल रेप कंपेयर किया, तो आप ये कह रही हैं कि मैंने दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट या कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स को कंपेयर किया जिसमें दो इधर से लिए थे एक ये लिया था, जब मैंने टेस्ट अप्लाई किया तो आई लर्न कि मोर मैन थिंक के मैरिटल रेप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे आपसे मैंने सिर्फ इतना कहा था कि यू आर सजेस्टिंग कि जी मैंने काई स्क्वेयर टेस्ट यूज़ किया, काई स्क्वेयर आपको नज़र आ रहा था ऑर्डिनल के यहाँ पे, सॉरी नॉमिनल के नीचे, आप देखिए ये X2 लिखा हुआ है, X2 टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है टी टेस्ट या अनोवा एक्सेट्रा, तो आप मैं आप यहाँ से कोई ना कोई टेस्ट अगर आपको समझ में आती है तो आप टेस्ट का नाम वहाँ पे लिखें, और अगर टेस्ट का नाम आपको नहीं समझ आ रहा तो जस्ट थे कि आई एम यूजिंग स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज टू एनालाइज माई डेटा, ठीक है, तो आपको जितना समझ में आ रहा है वो लिख दें,
या आपने डेटा एनालाइज वगैरह किया, और दिस इज ओनली अ स्मॉल पैराग्राफ, तो यहाँ पे आप सिर्फ ये कह रही हैं कि आई यूज एस पी एस एस टू एनालाइज माई डेटा, और उसके जो रिजल्ट हैं यू आर पोस्टिंग इन चैप्टर 4 और 5, जो भी चैप्टर आप एलोकेट कर रही हैं, एलोकेट वन ऑफ द चैप्टर्स टू क्वालिटेटिव स्टडी एंड एलोकेट अनदर टू क्वान्टिटेटिव स्टडी, ठीक है। और अब आपको सजेशन मेरी ये है कि क्वालिटेटिव को पहले डाल दें और क्वान्टिटेटिव को बाद में डाल दें। सो मेक योर चैप्टर 4 है ना, मेक श्योर कि चैप्टर 4 इज योर क्वालिटेटिव स्टडी बेस्ड, और चैप्टर 5 में यू आर रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ द क्वान्टिटेटिव स्टडी, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ ही लिखना है, ट्राई राइटिंग योर पैराग्राफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस में, यू आर ओनली सेइंग हाउ यू एनालाइज योर डेटा, ठीक है। मैम जी, वो रिसर्च पेपर जो 25% वाला, उसके बारे में थोड़े सी डिस्कशन अगर आप कर ले तो। मैं अभी बिल्कुल करती हूँ, ये इस पे कुछ क्वेश्चन आपका रह गया है यहाँ पे। मैं आपको सिर्फ ये छोटी सी 2-3 पॉइंट्स थे कि यहाँ पे कि आपकी स्टडी, आपने वैलिडिटी का मकसद ये है कि योर स्टडी इज़ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, ठीक है। सो बेसिकली आपको मैं ये रिलायबिलिटी के हेड में सिर्फ 2-3 चीज़ें, ये आप ये पेज देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, हाउ यू प्रूव योर स्टडीज रिलायबल, ठीक है। वो आपको कह रहा है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, विच मीन्स आई कंडक्टेड दिस टेस्ट इन 2015 एंड द फाइंडिंग्स वर दिस, आई रीकंडक्टेड दिस स्टडी इन 2020 और समबडी एल्स कंडक्टेड इट, ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट, आपने गुजरांवाला, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुख्तलिफ जगहों पे टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट। So you are saying that every time I conducted this study, the findings were similar. So test retest se bhi pata chal jata hai, your study is reliable. Ye likha hua hai split half method. Any idea Batul ki ye kya hai split half? Nahi ma'am. Split half ka matlab ye hota hai ki jo aapka sample tha, usme se aapne half sample to retain kiya previous one. और हाफ सैंपल चेंज कर दिया विद द न्यू वन, विच मीन्स कि आपके प्रीवियस सैंपल में इफ देयर वर 20 पीपल, तो यू आर रिटेनिंग 10 एंड यू आर चेंजिंग 10 विद 10 न्यू पीपल, राइट। तो विच मीन्स कि पहले 10-20 का जो रिजल्ट था वो न्यू 20 के रिजल्ट से अगर सेम है तो योर स्टडी इज रिलायबल बिकॉज यू चेंज हाफ ऑफ योर सैंपल, ठीक है। तो यू आर सेइंग कि जी मैंने तो सैंपल में चेंजेस करके भी देख ली, आई एडिड न्यू पीपल टू माई सैंपल एंड आई रिमूव्ड हाफ ऑफ द सैंपल एंड आई हैड हाफ न्यू सैंपल, और स्प्लिट हाफ से डिटरमिन हो गया कि माई स्टडी इज रिलायबल। और वो ये कह रहा है कि आपने ऑड और इवन में से कर लिया, या तो आपने ग्रुप्स को चेंज कर दिया और या फिर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से किया कि जी मैंने ये क्वेश्चन यूज किए इधर और ये क्वेश्चन यूज किए उधर, ठीक है। और इंटर आइटम मतलब आपके क्वेश्चनर में 17 क्वेश्चंस हैं आपने मुझे बताया, ठीक है। तो आपने दो वेरिएबल्स, इसका मतलब ये है कि दोनों क्वेश्चन दो अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में थे ना, इंटर आइटम टेस्ट और या फिर आइटम स्केल टेस्ट। आप लोगों को शायद वो क्वेश्चनर याद ना हो जो मैंने आपको दिखाया था, एसपीएसएस के दो क्वेश्चनर्स दिखाए थे, किसी को याद है? अहमद नबी, मैम टॉपिक नहीं याद है लेकिन ये याद है दो वो जरूर थे क्वेश्चनर्स। मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ पे देखें स्केल ए, स्केल बी, स्केल सी, स्केल डी, स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स थे इधर, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक बड़ा स्मार्ट क्वेश्चनर है, क्योंकि व्हाट दिस पर्सन हैज डन कि उसने बजाय ये कि 100 समथिंग क्वेश्चंस बनाने के, ये देखें स्केल
एच में देयर आर 18 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस, और उसने बजाहिर ये एक ही नजर आ रहा है, लेकिन दीज आर एक्चुअली 18 क्वेश्चंस, जहां पे अगर आप आपका रिस्पांस स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली, वो कह रहा है कि स्ट्रांगली डिसएग्री इज 1 एंड स्ट्रांगली एग्री इज 5, एंड इफ यू आर सेइंग फॉर इंस्टेंस यू राइट हियर 3, राइट, सो यू प्रोबेबली मीन न्यूट्रल. इफ यू राइट हियर 6, यू प्रोबेबली मीन आई ऑलमोस्ट एग्री बट आई डोंट स्ट्रांगली एग्री, राइट. ये बीच में न्यूट्रल होगा ना, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री और यहाँ तक न्यूट्रल, मिडल में तो डेफिनेटली न्यूट्रल होगा. ठीक है जी मैम. सो बेसिकली आप उसको यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी, आइटम आइटम टेस्ट का मतलब ये है कि नंबर 2 एंड नंबर 3, यू कंडक्टेड अ टेस्ट बिटवीन आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 3, और आइटम स्केल टेस्ट का मतलब ये है कि आपने नंबर वन को अगेंस्ट ऑल चेक कर लिया, अगेंस्ट 18 चेक कर लिया, क्योंकि स्केल स्केल में देर आर 18 क्वेश्चंस. तो आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे वी हैड अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्केल्स, राइट. तो बेसिकली वो आपसे सिर्फ यही कह रहा है कि आप इंटर आइटम टेस्ट यानी दो आपने कंडक्ट कर लिया या आइटम स्केल टेस्ट कंडक्ट कर लिया, तो उसकी ऑप्शंस होंगी. सो दैट ऑल्सो डिटरमिन्स के आपका ये इफ देयर इज कोरिलेशन बिटवीन आइटम्स, और या फिर आपने किसी और तरीके से किसी और अल्टरनेट मेथड को यूज कर लिया टू डिटरमिन रिलायबिलिटी. जी अब बोलें क्या कह रहे थे. जी मैम वो एक असाइनमेंट तो पोस्ट हुई भी है क्लासरूम में, मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ. मैं बिल्कुल मुझे मालूम है वो मैम वो है जी मैम वो रिसर्च पेपर की एक असाइनमेंट पोस्ट हुई हुई है ना. यस मैम. जी मैम तो ये यार ये बाकी सारे किधर हो यार आप लोग. मैम इस पे हमने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम है सप्ते में करने के लिए, हम लोगों से मैनेज ही नहीं हो रहा. हम लोगों ने वो आइडिया भी, रिसर्च आइडिया भी देना, स्क्रिप्ट देना फिल्म का, तो आप प्लीज वो कर. मैं अभी आती हूँ उसके ऊपर. दूसरा एक चीज मैम, हमने प्रपोजल लिखने के लिए इतना सारा टाइम लिया, तो एक्चुअल पेपर लिखने के लिए तो हाफ टाइम चाहिए होगा. बहुत ज्यादा. अहमद नबी अभी उस पे आती हूँ मैं, राइट. जी ठीक है पार्ट, आई विल गो टू इट. ठीक है उस पे मैंने वो खोला है, आई विल गो टू इट, राइट. बतूल आपने जो क्वेश्चनियर बनाया था. जी जी मैम जी. उसके शुरू में आपने डाला एक कवर लेटर. हाँ जी बिल्कुल. ठीक है which is nicely written cover letter. मैंने आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसके साथ आप एक इंस्ट्रक्शंस भी लिखते हैं. तो जी मैम अगर आप चाहें तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकती हैं, और अगर चाहें तो यू कैन लीव इट फॉर नाउ. ठीक ओके. अब एक छोटा सा भी हमारे पास कितना टाइम है अहमद नबी, हमारे पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो मैं क्विकली फिर ये आपका रिसर्च एथिक्स को हम जरा क्विकली देख लें, एंड देन आई गो टू व्हाट यू आर आस्किंग. जी मैम राइट. अच्छा एथिक्स का सिंपली हमारे पास टाइम होता तो हम इसको जरा डिटेल में जा सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और वी हैव टू फिनिश टू कवर सर्टन टॉपिक्स, राइट. ओके मेरा ख्याल है कि आपने आज खुद भी मेंशन कर दिया 2-3 दफ़ा कि इट विल बी एथिकल और अनएथिकल एक्सेट्रा, ऐसे ही है कुछ चीज़ें तो ऐसे ही मैम आप लोगों ने मेंशन कर दी. ऑल राइट. उसमें अभी पीछे हमें नज़र आ रहा था कि आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कंटेमिनेट नहीं कर सकते your findings and results etc because you want to prove your point.
राइट मैम, अपना इन्फ्लुएंस भी नहीं, अपना इन्फ्लुएंशियल भी नहीं हो सकते ना अपने रिसर्च में, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट लीड द डिस्कशन इन अ फोकस ग्रुप इन अ सर्टेन डायरेक्शन, राइट, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस योर रिस्पोंडेंट्स इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, राइट, यू कांट डिमांड के आपका रिस्पोंडेंट जो है वो अपने आप को लिबरल एंड ट्रेंडी शो करने की कोशिश करे, यू कांट take your you can't include all people from religious groups, right, agar aapka question is about for instance jo abhi aurat march ka ek motto ban gaya tha us pe aap study kare, you can't have all respondents of one type or all informants of one type etc, theek hai, so wo basically wo ye keh raha hai. Aur phir dusri baat ye hai ki for instance ab ye tv production nahi hai, right, aap जो है एक रेप के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते फॉर इंस्टेंस, राइट, पहली बात तो ये है कि आपको शायद कोई लोग ही ना मिलते जो कि आपके जिसको आप अपने कैरेक्टर के तौर पे यूज कर सकें, रीएनेक्ट करवा लेते जिनसे, हाँ, तो वो आप डॉक्यूमेंट्री जो है वो उस रीएनेक्ट केस में जा रहे होते. तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये तो रिसर्च है जो इवन आपका जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें यू कैन नॉट डू दिस कि आप अपने जिसका आप जिसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसको आप ट्रॉमा से दोबारा गुजारें, चाहे वो फ्लड्स रिलेटेड हो या अर्थक्वेक का हो या रेप विक्टिम हो या कोई और क्रिमिनल हो या क्रिमिनल ना हो समबडी who faced a crisis etc, right, so wo research mein bhi wo aap keh rahe hain ki aap aise questions nahi kar sakte ki aapka respondent jawab hi nahi dena cha raha, aur you are using because you are the researcher you can't use your misuse the power and privileges of your position, theek hai, so aap aise you should not do anything that hurts health or of your respondent your community in any manner. तो वो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मैल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यू कांट बिकॉज यू वांट टू रिपोर्ट सर्टेन टाइप ऑफ रिजल्ट्स या मैनिपुलेट रिसर्च नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नोन एज मैल प्रैक्टिस, राइट, तो वो ये कह रहा है कि रिसर्च के स्टैंडर्ड्स या प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स, पहले तो मैंने आपसे कहा था कि रिसर्च का प्रोसेस जो है इट स्टार्टेड ओवर 200 ईयर्स अगो, सो कोई स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स लिखे भी नहीं थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल लर्नड के इट रिक्वायर्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल, और फाइंडिंग्स जो हैं वो आप को आपने अब्यूज़ नहीं करना, राइट, सो बेसिकली दे आर सेइंग के जी आपको गाइडलाइंस जो हैं वो रिसर्चर्स के लिए ज़रूरी हैं, प्रोफेशनल एथिक्स रिसर्चर्स के लिए ज़रूरी हैं, और जिसमें रिसर्चर एक तो प्रोफेशनल एथिक्स और उसके बाद रिसर्चर रिस्पोंडेंट रिलेशनशिप के रिस्पोंडेंट्स के साथ आपने किस तरह बिहेवियर करना, और फिर रिसर्चर रिसर्चर रिलेशनशिप, और फिर समटाइम्स ख़ासतौर पे एक्सपेरिमेंट्स के केस में आप एनिमल्स को रिसर्च में डाल लेते हैं, फॉर इंस्टेंस आप कोई प्रोडक्ट या मेडिसिन रिसर्च ही कर रहे थे, ठीक है, तो ही सेइंग कि आप एनिमल्स के रिसर्चर एनिमल रिलेशनशिप के भी रूल्स हैं, नंबर वन प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यू शुड रिपोर्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है, एक्यूरेसी इन डेटा गैदरिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, तो आपको वो कह रहे हैं कि प्लान कलेक्ट एंड प्रोसेस डेटा बाय एम्प्लॉइंग हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और क्वांटिटेटिव इन पर्टिकुलर बहुत सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर रिक्वायर करता है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने एक्सेप्टेड एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, और रिसर्च मेथडोलॉजी जो है उसने कहा कि रेलेवेंट मेथड यूज करना है, अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करनी है, डेटा के आपने इनअप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते, और एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग, और उसके बाद फैब्रिकेट नहीं कर सकते कि आपने एक्चुअली डेटा कलेक्ट ही नहीं किया, बट यू आर सेइंग
15% said yes to such and such question, right? तो fabrication नहीं हो सकती, falsification is also misconduct. तो वो आपसे simply ये कह रहा है कि researchers should abstain from falsifying data or changing words, कि आपने चूंकि words में जो meaning होते हैं, अगर आपने respondent के words change कर दिए तो meaning will also change. तो वो ये कह रहा है कि do not falsify data. रिसर्चर रिस्पोंडेंट रिलेशनशिप, आपने रिस्पोंडेंट को बताना है कि मैं कौन हूँ. यू हैव टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई योर सेल्फ. रिस्पोंडेंट की आइडेंटिफिकेशन को नहीं कह रहा, बिकॉज रिस्पोंडेंट शुड बी एनोनिमस इन मैनी केसेस, राइट. हमने बार बार ये कही है कि हम सर्वे क्वेश्चनर में नाम का हमें वो डालने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट्स योर नेम, we don't need that question. So, but researcher has to identify himself. Respondent does not need to identify himself. Aur phir wo ye keh raha hai ki clear outside. Researchers should inform the respondent of the type of questions. Jo aapne cover letter likha, usme aap likh rahe hain ki ye questions marital rape pe hain. You are telling them ki ye sensitive questions hain. You may feel stressed while responding to these questions. So you leave it to the respondent ke if he is uncomfortable or she is uncomfortable about certain question, she may not want to respond to that question. For instance, ek question tha ke have you experienced marital rape. I think ke bahut sare cases mein people may feel uncomfortable responding to that question. To agar koi usko jawab nahi dena chah raha, तो आपको वहाँ पे फिर यू विल गेट मिसिंग वैल्यू, अ रिस्पोंडेंट डिड नॉट रिस्पोंड टू दैट क्वेश्चन. और या फिर आपने उस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली पूछ लिया, डू यू नो एनीवन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैरिटल रेप. तो आप देखें ना कि पहले क्वेश्चन में स्ट्रेस ज़्यादा था, दूसरा इज लेस स्ट्रेसफुल. सो बेसिकली आपको वेलफेयर ऑफ रिस्पोंडेंट को जहन में रखते हुए रिस्पोंडेंट को एम्बेरसमेंट, गिल्ट, डिस्कम्फर्ट वगैरह से बचाना है. और आपने रिस्पोंडेंट को कोई ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछने कि रिस्पोंडेंट हैज़ नर्वस ब्रेकडाउन बाय द टाइम, यू नो सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव, तो वो दे मे बी वेरी अनकम्फर्टेबल एंड दे मे बी अनकम्फर्टेबल फॉर डेज एंड डेज आफ्टर रिस्पोंडिंग टू अ सर्टन क्वेश्चन. तो आपको फिर ये ध्यान रखना है कि वेलफेयर ऑफ द रिस्पोंडेंट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर व्हाइल जो आपने इंस्ट्रूमेंट है उसको जब आपने यूज किया, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द रिस्पोंडेंट. और फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आपने उसकी कंसेंट से उसको एडमिनिस्टर करना है टूल को. यू कांट से कि नो 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 यू हैव टू आंसर दिस, यू हैव टू फिल दिस सर्वे. जिसने नहीं करना उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है. फिर आपसे वो ये कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी, आपने रिस्पोंडेंट का नाम नहीं पूछना ताकि उसकी प्राइवेसी रहे. राइट टू एनोनिमिटी, अगर वो एनोनिमस रहना चाहता है, आप फोकस ग्रुप में या बाकी चीज़ों में, कुछ केसेस में इंटरव्यूज़ में तो रिस्पोंडेंट आपके सामने होता है, तो आपने उसको एनोनिमस रखना है व्हेन यू आर रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स. और कॉन्फिडेंशियलिटी, तो वो ये कह रहा था एक्चुअली कि पास्ट में पीपल वर, जब आपके ये एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए थे, तो पीपल कुड से कि ओ आई हैव टू रिपोर्ट दिस थिंग टू पुलिस और डिफरेंट डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन एट लार्ज. तो वो ये कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते बिकॉज आपको रिसर्च एथिक्स अलाउ नहीं करते. तो आपने लार्जर इंटरेस्ट जो है उसके बजाय आपके रिसर्च एथिक्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है. फिर रिसर्चर रिसर्चर रिलेशनशिप में आपने ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखनी विच आर मिसलीडिंग और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ रोल या प्लैजरिज्म. सो बेसिकली वो आपको सिंपली यही कह रहा है कि आपने फॉर इंस्टेंस लॉट्स ऑफ टाइम्स पीपल आर रिफरिंग टू लिटरेचर रिव्यू और उसमें पीपल
फिल इमेजिनरी पेज नंबर्स एक्सेट्रा, तो और या फिर क्यों या ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने उसका नाम मेंशन कर दिया कि अली सो एंड सो सेज दिस अबाउट मैरिटल रेप इन पाकिस्तान, तो वो ये कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गिव अ लिस्ट ऑफ ऑथर्स. एक ऑप्शन होती है पर्सनल कम्युनिकेशन की, तो यू कैन नॉट गिव अ नेम जिससे आपने पर्सनली कम्युनिकेट ही नहीं किया, राइट. तो बेसिकली वो आपसे ये कह रहा है कि आप जो हैं डोंट मिस यूज योर अथॉरिटी, डोंट गिव रॉन्ग ऑथरशिप एक्सेट्रा, और प्लेजराइज ना करें काम. और जो एनिमल्स हैं उनके केसेस में वो ये कह रहा है कि अगर एनिमल्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो यू शुड प्रॉपरली मेंटेन देम, और आपके पास अच्छी रीज़न होनी चाहिए वाई यू आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन एनिमल्स, और आपने एनिमल को ज़बरदस्ती स्ट्रेस नहीं देना, ना उसको ज़बरदस्ती उसको पेन टेस्ट करना है कि भाई ये कितना गर्म पानी बर्दाश्त कर सकता, आपने उस पर गर्म पानी फेंक दिया, राइट. सो यू वो कह रहा है कि यू कैन नॉट स्ट्रेस और पेन और इंजर द एनिमल इन एनी मैनर, ठीक है. घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि आपकी स्टडी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए. आप लोग मौजूद हैं कि चले गए? सब मौजूद इधर ही है. मैं इधर ही हूँ. ऑल राइट. अहमद मसूद. Yes, ma'am. Ali Heather. Present. Batul. Present, ma'am. Farooq. Yes, ma'am. Afroz. अफरोज. मोहम्मद अली. यस मैम. मोहम्मद अली 119. बासित. बासित. नॉन राइट. बासित नहीं है. निब्रास. रमला. प्रेजेंट मैम. सैफुल्ला. ज्ञान. तलहा. ऑल राइट. प्रपोजल पे कोई क्वेश्चन रह गया? अली हैदर, आपने जो प्रपोजल भेजा उसमें आपने ये डाली हुई थी चीजें? जी मैम. नहीं मैम, मैं रेफरेंसेस पूरे करके भेजूंगा. मेरे पास लिस्ट है, मुझे वो ऐड करने का समझ गया. हां, आपको अपने वो डालने. दूसरी बात ये है जी, बिल्कुल मैं वो डालूंगा. आप लोग टाइमलाइन में यही डेट्स डाले जा रहे हैं. हम दिस इज 2020, यू कांट यूज दीस डेट्स. और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का तो टाइमलाइन में आपका फ्रॉम जनवरी टिल द एंड ऑफ अप्रैल वी हैव बीन राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, राइट. तो आपके टाइमलाइन में सबसे ऊपर जो रिसर्च प्रपोजल आएगा, तो आपको टाइमलाइन को यू डोंट हैव टू यूज दिस टाइमलाइन, यू क्रिएट योर ओन टाइमलाइन. आपने सिर्फ यही करना है कि आपको चूंकि ये वर्ड में मिला हुआ है तो चेंज डेट्स यहाँ पे ऊपर डालें. सबसे ऊपर डालें रिसर्च प्रपोजल जनवरी टू अप्रैल राइटिंग रिसर्च प्रपोजल एंड लिटरेचर रिव्यू जो है वो भी आपने जनवरी टू उसमें लिटरेचर रिव्यू किया. अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज करें. मोस्ट ऑफ यू आर नॉट यूजिंग फोकस ग्रुप मेथड और इन डेप्थ इंटरव्यूज एक्सेट्रा. ये यहाँ से निकल जाएंगे. आप में से कुछ सम पीपल आर यूजिंग सर्वे मेथड एंड सम पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट कंटेंट एनालिसिस. थिंक अबाउट इट कि आप क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं, आप वहीं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करें. आज के दिन के अंदर यहाँ पे फाइनल प्रपोजल जो है, फाइनल प्रपोजल आज के दिन में यहाँ पे अपलोड करें. ओके, तो नेक्स्ट संडे यू कैन प्रेजेंट.
राइट। अब आपका ये वाला है रिसर्च पेपर, बिल्कुल मैम, ठीक है। आप जी मैम इसी को डिस्कस कर रहे थे ना? यस मैम। ऑल राइट बतूल, आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा फॉर रिसर्च प्रपोजल, वो रिसर्च प्रपोजल से ज्यादा यहाँ पे फिट होता है। और आप अकेली नहीं हैं क्लास में, ऑल पीपल हु हैड अपलोडेड मिड टर्म विद द एक्सेप्शन ऑफ वन और टू, मोस्ट पीपल वर एक्चुअली ट्राइंग टू राइट द रिसर्च पेपर। मोस्ट पीपल प्रॉबेबली डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मैंने उनसे रिसर्च पेपर मांगा ही नहीं है, आई एम आस्किंग देम टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। मैंने यहाँ से वो टॉपिक्स रिमूव कर दिए जो के फाइनल एग्जाम थे इन मीडिया थ्योरी क्लास। आप अगर अभी मेरा जो मैंने अपलोड किया हुआ उसमें पढ़ने, जो थीसिस क्वेश्चन है वो है ही क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। मुझे अपना थीसिस क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के करने के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी चेंज होगी। इट्स बेसिकली बिगिनिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप मुझे अगर कोई तरीका बता दें कि मेरा थीसिस क्वेश्चन ना चेंज और मैं उसको उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लूं, मैं क्वेश्चनेयर से फोकस ग्रुप कुछ उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनी चेंज कर लूं, मैं आई एम यहां पे ओपन फॉर सजेशन, मुझे आप बता दें। आप मीडिया थ्योरी की क्लास के जो आपके क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस आप यूज कर रहे हैं, वही क्वेश्चंस नहीं यूज कर रहे आप फॉर राइटिंग योर रिसर्च प्रपोजल? नहीं, अब फर्क है। आप अगर आप अच्छा, ओके, आई विल गो थ्रू योर क्वेश्चंस and if your questions are different from, differ, if, quite a lot if this, your questions are different from your past exercise, so I'll look into it, theek hai, I'll look into it and I'll get back to you. Lekin basically kyunki hum ye wali exercise hum bahut pehle shuru kar chuke, right? Humne bhi have been doing literature review, we've been writing questions and we were doing a lot of different things. Methodology bhi ab aapko pata hai ki kaise likhna hai. इस जो आपकी मीडिया थ्योरी की क्लास के एग्जाम में जो रिसर्च पेपर राइटिंग थी उसमें आपके रिसर्च पेपर को हमने नहीं स्प्लिट किया था इन इंट्रोडक्शन, इन लिटरेचर रिव्यू, इन मेथोडोलॉजी एंड डिस्कशन एंड एनालिसिस, ऐसे ही है ना? उस वक्त हमने मीडिया थ्योरी पेपर राइटिंग को इन हेडिंग्स में स्प्लिट नहीं किया था। राइट नाउ आई एम आस्किंग कि आप अपने रिसर्च पेपर को इन हेडिंग्स में स्प्लिट करेंगे। जब आप इन हेडिंग्स को में स्प्लिट करेंगे तो आपका फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो बट प्रॉबली जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है फॉर योर प्रपोजल दैट प्रॉबली कैन कम हियर परहैप्स, आई डोंट नो दैट परहैप्स कैन कम हियर ऑल्सो। जो आपने वहाँ पर मैथड लिखा फॉर what method you are using for data collection in your research proposal, that method can perhaps also come here, right? So wahan se aap introduction, literature and method you can probably bring it here. Uske baad aapko sirf analysis ko aapne dekhna hai ki aapki jo analysis hai that is suitable for this introduction, this literature review and this method. तो आपसे मैंने कहा कि आप में से मोस्ट पीपल हैव बीन राइटिंग रिसर्च पेपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, तो आप लोगों ने ऑलरेडी वो काम काफ़ी ज़्यादा कर लिया, राइट? तो मैंने चूँकि आप लोगों ने ये काम कर लिया सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इन दिस फाइनल एग्ज़ाम आप मुझे उसको रिसर्च पेपर की शक्ल में ऑर्गेनाइज करके दे दें। That's all it says. Proposal तो आज खत्म हो जाएगा ना। Proposal जो है आपका ये इसमें से काफी सारी headings जो हैं, मिसाल के तौर पे introduction, ये जो आपको proposal की headings नजर आ रही हैं, इसमें से काफी सारी चीजें आपके research paper में जाएंगी। But make sure के when you are writing your research paper, everything is suitable for the research paper. इंट्रोडक्शन चला जाएगा, लिटरेचर रिव्यू चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस चले जाएंगे। ये मैंने आपका मिड टर्म यहाँ पे दोबारा दिया हुआ है,
वो रेड में करके जो आप लोगों ने इग्नोर कर दिया था, इट सेज प्रपोज्ड स्टडी, प्रपोज्ड रिसर्च, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू एक्सेट्रा. रिसर्च प्रपोजल बेस्ड ऑन फिल्म ड्रामा एनालिसिस, रिसर्च प्रपोजल बेस्ड ऑन पब्लिक रिस्पॉन्स. ये जो येलो हैं, ये दो मैंने वर्ड्स आपकी क्लैरिटी के लिए ऐड किए और ये आपकी क्लैरिटी के लिए ऐड किए. ये आपके फाइनल के साथ आपका पिछला वो मौजूद है, रिसर्च प्रपोजल. सो प्लीज़ बिफोर अपलोडिंग योर फाइनल प्रपोजल टुडे, गो थ्रू दिस कि आपने ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं. प्रपोजल में से काफ़ी सारे एलिमेंट्स रिसर्च पेपर में ले आएंगे, ठीक है. तो ये आपके ये जो फाइनल रिसर्च प्रपोजल है, ये आपके रिसर्च मेथडोलॉजी क्लास का ये मैंडेटोरी पार्ट है. इसके बगैर आप लोग, आई वुड नॉट नो कि आप लोगों को इस क्लास में कुछ समझ आई है कि नहीं आई. रिसर्च प्रपोजल की बेसिस पे तो मैं सिर्फ ये डिसाइड करूँगी आप लोगों ने इस कोर्स में क्या सीखा. सम ऑफ यू हैव सबमिटेड फिल्म एनालिसिस इंस्टेड ऑफ रिसर्च प्रपोजल इन द मिड. तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि आप उसको पेपर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दें, सो इट बिकम्स अ पेपर. और चूंकि सम ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, इट वॉज नॉट अ फिल्म एनालिसिस एक्सरसाइज, इट वॉज अ प्रपोजल राइटिंग एक्सरसाइज. तो उनको सिर्फ ये करना था कि वो जो आपका प्रपोजल है उसको आप प्रॉपर फॉर्म में, प्रपोजल की शक्ल में मुझे दें, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि वो आप यहाँ पे करेंगे, राइट. तो प्रपोजल के कुछ सेक्शंस थे, तो प्रपोजल को आपने कंसाइज करके फिनिश करना, राइट. और ये जो है आपका फाइनल प्रपोजल और रिसर्च पेपर में बस यही फर्क है आपके दोनों में. पर मैम जो क्वेश्चन है वाला पार्ट है जी, के वो आप उस पेपर को आप डिस्कशन में इस्तेमाल करेंगे ना, जहाँ पे आप एनालिसिस एंड डिस्कशन लिख रहे हैं, कि जो आपने कुछ पब्लिक रिस्पॉन्सेस जो आपने ली हैं, ठीक है जी, पब्लिक रिस्पॉन्सेस से या जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है. मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि आप उस डेटा को यूज करें सर्वे क्वेश्चनेयर से किया. अगर आपने सर्वे क्वेश्चनेयर नहीं किया, वन ऑफ द मेथड्स को इंक्लूड कर लें. ओके मैम, यू कैन सी के जो टू पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू नो के इज देयर अ थिंग लाइक मैरिटल रेप, मे बी ग्रुप कलेक्टिवली थॉट के, ऐसी कोई चीज नहीं होती, राइट. सो मैम हम उनको इस तरह मेंशन करेंगे, सम ऑफ पीपल ये का, कुछ लोगों आप ऐसा करें ना, देखें अभी हमारी कोई तीन मीटिंग मिनिमम और होंगी, राइट. हमारी नेक्स्ट वीक होगी, फिर अगली दो तीन मीटिंग्स में हम ये जो है हमें पता चल जाएगा. यू शुड स्टार्ट राइटिंग. आज रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने के बाद उसमें से ये कुछ सेक्शन उठाएं, इंट्रोडक्शन और मैथड उठाएं, राइट. मैथड आपको इतनी डिटेल में नहीं चाहिए होगा इन योर रिसर्च पेपर, राइट, जितनी डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन मेथोडोलॉजी आपको वहाँ पे चाहिए होगी. तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और मेथड वाला पार्ट उठा के रिसर्च पेपर में कॉपी पेस्ट कर दें, और एंड देन ट्राई राइटिंग योर रिसर्च पेपर. आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी एनालिसिस एंड कंक्लूजन कर दिया, अगर आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपको अपने रिसर्च पेपर की शक्ल नज़र आ जाएगी कि मेरा अभी से हाउ माय पेपर लुक्स लाइक. सो उसको फिर बाकी का जो दो तीन हफ्ते का टाइम है वो आपका एडिटिंग टाइम है, कि आप उसको एक रीडेबल अच्छे से फॉर्म में मुझे फाइनल वर्जन आप दे रहे हैं, ठीक है. वेल देखें, मैंने आपको कहा है 2000 to 3000 वर्ड्स, इट सेज अप टू 3000 वर्ड्स, कोई लोअर लिमिट नहीं थी. तो अगर आप असाइनमेंट की डेडलाइन थी नेक्स्ट संडे, अगर आप नेक्स्ट संडे तक मुझे कुछ दे देंगे तो आपके पास ये पॉसिबल होगा कि आई गिव यू फीडबैक बिफोर यू सबमिट योर फाइनल एग्जाम, ठीक है. सो आई सजेस्ट कि ट्राई कि आप नेक्स्ट वीक तक मुझे ज़रूर कुछ दें, तो आई गिव यू फीडबैक, तो आपका फाइनल एग्जाम ज़रा बेहतर हो जाएगा,
ठीक है, इसको रिमूव करने के बजाय लेट्स ट्राई सीइंग के हाउ रिसर्च प्रपोजल एंड पेपर आर सिमिलर, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे लिखी हुई कुछ चीज़ें लिटरेचर रिव्यू और मेथड आपके इसमें जा सकता है. प्रपोजल में से कुछ चीज़ें यू कैन टेक टू योर रिसर्च पेपर, और प्रपोजल में जो आपने एनालिसिस डाल दी दैट वुड डायरेक्टली गो हियर. तो यू जस्ट नीड टू टू री राइट एम्प यू नो, आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज करनी है फ्रॉम प्रपोजल टू रिसर्च पेपर. ठीक है जी. कोई और क्वेश्चन? आप लोग जो हैं कमिंग कमिंग सैटरडे तक, नेक्स्ट संडे तक ज़रूर पेपर सबमिट करें. उसको व्हाट आई विल डू, उसको हम मार्क उसी वक्त करेंगे जब फाइनल एग्जाम होगा. रिसर्च पेपर इज शोइंग ग्रेड, आपको यहाँ पे असाइनमेंट में भी ये आपको कोई ग्रेड शो कर रहा है. इट इज सेइंग 25% मार्क्स. इट हैज़ अ डेडलाइन ऑफ 12th of April, लेकिन हम इसकी फाइनल ग्रेडिंग जो है वो फाइनल एग्जाम पे ही करेंगे. ठीक है जी मैम. जब आप यहाँ पे मुझे देंगे तो आई टेल यू के अभी ये ए के काबिल है या बी के काबिल है या सी के काबिल है, बट दैट वुड बी फाइनल. फाइनल ग्रेड विल बी गिवन हियर. ठीक है ओके जी. ओके मैम. इतना परेशान ना हुआ करें, पहले आप सारा डेटा तो इधर लेके आए ना, फिर हम देख लेते हैं. ठीक है सैफ, कोई क्वेश्चन है? मैम मौत नजर आ रही है, मौत. अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहादुर आदमी हैं. मैम सामने खड़ी आप कह रही है ऐसा कुछ नहीं है. क्या चीज? मैम सामने खड़ी है मौत, ये देखें वो सामने मैम, तो आप कह रही कुछ. ऐसा कुछ भी नहीं है अहमद नबी, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं. जब आप ये कर रहे होंगे यू विल रियलाइज कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स प्रपोजल में से उठ के इधर आ गए. ओके ठीक है मैम जी. मैम ऑल राइट. बतूल कोई क्वेश्चन है? ओके नहीं मैम. ऑल राइट थैंक यू देन. रमला कोई क्वेश्चन है? मैम मैं आपको कॉल करना चाहूंगी सेपरेटली. ठीक है आप ऐसा करिएगा कि आप मुझसे हैंगआउट पे या व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा. जी मैम. सो वी कैन डिस्कस. ठीक है थैंक यू सो मच. ओके थैंक यू. ओके मैम थैंक यू.